father, we are not the right guys to make a decision or give you an answer for this, very frankly. So let's move forward. We have Joy also over here. Neville, probably we have answered your question. Right? Hello. Yeah, Joy, how are you? Yeah, good. How are you, Amit? Bullishness chala na mast? Ekdam. Ekdam jakat chala. Baki bata, next views about market? Next views matlab bahut upar aa gaya. Now what I personally feel that thoda bahut upar niche abhi ho sakta hai kyunki we are very near to 16800, so 16,450, 16,440, 16,450 ये जो लेवल है इसको शायद नहीं तोड़ेगा, ये मेरा मानना है, ये शायद नहीं तोड़ेगा. अगर तोड़ेगा तो व्यू एकदम चेंज हो जाएगा. तो लाइक आई थिंक लाइक के अभी 700 है तो लाइक आपको 150-200 पॉइंट का ऊपर नीचे होगा, वीक हैंड्स को थोड़ा डर लगेगा, तो ये सब चीज़ थोड़ा एक दो दिन का होगा, होकर एकदम 17,100-200 को टच कर देगा शायद. तो दैट इज़ व्हाई आई बिलीव व्हाट आई फील. एंड इफ इट ब्रेक्स 16,440 तो निफ्टी को हम खुद शॉर्ट मार देगा, क्योंकि ये तो पोजिशनल शॉर्ट हो जाएगा सर. फिर कुछ अच्छा खासा नीचे जाना है, तो आई डोंट थिंक अभी ऐसा कुछ होगा. तो स्टिल थिंग्स आर ओके. इन्फोसिस 1488, 87, 88, ये जो एकदम लेवल है ना इन्फोसिस, अगर इसको तोड़ेगा तो शॉर्ट बन जाएगा, ये शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा मेरे लिए. बैंक निफ्टी 35,900 ब्रेक करेगा तो वीक हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक इतना भी कुछ होगा, बट स्टिल लेवल्स को तो नज़र पर रखना पड़ेगा. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, व्हाट आई फील लाइक. इतना ज़्यादा नेगेटिवनेस अभी नहीं आना चाहिए. इफ इट ब्रेक्स 16,440-16,450 लेवल, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हिट 16,000, वी आर गोइंग टू रिटेस्ट 16,000 लेवल अगेन मे बी. सो इतना बड़ा करेक्शन फिर से आएगा तो सब कुछ एकदम से जो ठीक ठाक होने लगा था वो भी चेंज होना चालू कर देगा ना. तो दैट इज़ व्हाई आई थिंक शायद अभी वो टाइम नहीं है कि अभी इतना बड़ा करेक्शन आएगा. तो लेट्स होप फॉर द 17,000. ओके, व्हाट यू? So, see, I think Rishi sir bhi hai yahan pe. So, we can take his views also. In between, I have not short. Because, like last few times I am saying, मेरे को जब तक कि मेरे एसल्स नहीं होते, ट्रेलिंग एसल्स, मुझे क्यों शॉर्ट जाना है? मतलब अभी तक मार्केट, जॉय भाई नमित सर भी मेरे से एग्री करेंगे कि इफ आई एम लॉन्ग, आई एम गोइंग लॉन्ग. मेरे को ये नहीं है कि मेरे को बहुत आगे तेजी दिख रही है, या मैंने मोस्टली लाइक आई हैव टोल्ड फ्यू टाइम्स कि मैं अपने मेजर पोजिशंस बुक करते जा रहा हूँ, लेकिन देयर इज नथिंग राइट नाउ टू इन फ्राइडे क्लोजिंग to show me that I should go short. So expectation mein I don't usually short market. If it has to go short or we have to go short, I usually feel ki it will show to us that you need to go short. So rather than if the best possible scenario for me, if I am not feeling comfortable with my positions, or anybody who is not comfortable with their positions, is rather sit out or close your positions. That is the easiest and best thing I can say to anybody. So anybody who on Friday felt uneasy in last few minutes would or should have rather, you know, gone by closing their positions rather than thinking about it. I usually hedge my positions, especially if the market is intraday I can go for naked positions, but overnight I still feel market levels are there ki we should keep things more in a hedged way. So
इनहेज व्हाट हैपेंस इज कि आप अपना जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट की सोच रहे हैं वो उसकी बजाय आप एक लिमिट में प्रॉफिट की बात करने लग जाते हैं, बाकी और तो कोई उसमें वो होता ही नहीं है. तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा ना इफ यू आर लॉन्ग तो वो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा. अब आपको लगेगा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, भैया मार्केट भी तो दिन में 200 पॉइंट चल जाता है ना यार, तो जितना मार्केट चलेगा उतना भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा. आपको लगता नहीं है तो जो भी कैंडल बन रहा है आज का जो कैंडल बन रहा है उसका 50% साइज पकड़ लो, उसके हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो. तो वी हैव ऋषि भाई ओवर हियर. ऋषि भाई ओवर टू यू प्लीज. हाय अमित भाई, थैंक्स एवरीवन आउट हियर. नहीं मैं आप लोग की बातें सुन रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रहे हैं वर्ल्ड पोजिशंस में. सो ये सारी चीजें शिफ्ट हो रही है एंड आप बात समझो वी आर वेइंग लॉट ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स. वॉर है, इंटरेस्ट रेट्स है, क्रूड है, ये है, एफआई की सेविंग है. अब इसमें से कौन सा फैक्टर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्न हो रहा है एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर हम लोग केस बाय केस जाए, क्रूड 120 से 94 हो गया, मतलब 94 अगर WTI NYMEX अगर अपने पकड़े, WTI पकड़े तो वो हो गया, और क्रूड भी ब्रेंड भी ऑलमोस्ट 103-102 के आसपास घूम रहा है. ये गैप जो एकदम नहीं था आपके NYMEX एंड WTI और ब्रेंड में, वो अचानक से अब $10 का गैप हो गया है. सो ऑब्वियसली दैट थिंग इज देयर. सेकेंडली अगर आप FII का फ्लोज देखोगे, सितंबर से हेवी सेलिंग चल रही थी एंड दिस इज द ओनली मंथ, दिस इज द फर्स्ट मंथ इन लास्ट 9 months जब FPI फ्लो पॉजिटिव हुआ है. खैर अभी 6 दिन बाकी है बट ऐसा नहीं लग रहा है कि नेगेटिव होने की चांसेस है. सो जुलाई में वी आर गेटिंग द फर्स्ट पॉजिटिव FPI नंबर आफ्टर 9 months एंड हमारे जो डोमेस्टिक्स नंबर है, म्यूचुअल फंड्स के नंबर है, वो पॉजिटिव थे. तो पहले क्या होता था कि FPI लेता था तो डोमेस्टिक भेज देते थे और डोमेस्टिक लेता था तो FPI भेज देता था. बट अब देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द मार्केट और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले जब ये 4-5 साल पहले 3 करोड़ फोलियो हुआ करते थे आपके म्यूचुअल फंड्स के, आज 13.5 करोड़ फोलियोज है एंड यू कैन सी द SIP डेटा which is almost 12,000 crore rupees every month which is coming aapke account mein aa raha hai, equity mein ja raha hai. Acha mazey ki baat hai, equity fund manager are holding one of the highest cash, 14% ka cash wo log hold karke baithe hue hain. They are waiting for the opportunity to pounce. So sabke paas abhi cash mein they are sitting and agar main koi equity fund mein lagata hu तो मैं उसको कैश मैनेजमेंट करने नहीं लगा रहा हूँ, उसको मैं क्लियर मैंडेट दे रहा हूँ कि आप वो मेरा पैसा इक्विटी में लगाइए. कैश मैनेजमेंट करने लगाना होता तो मैं कोई भी लिक्विड फंड या कैश फंड्स में लगा देता. तो ऑब्वियसली वो मैंडेट के अगेंस्ट जा रहे हैं. सो उनको भी एक ये जो 14% का जो कैश है उनको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और मार्केट अगर यू टर्न मारता है तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो 2.5-3 लाख करोड़ की जो सेलिंग आई थी उसको मार्केट ने एब्जॉर्व कर लिए और विदाउट मच डैमेज एब्जॉर्व किए एंड स्टिल अवर चार्ट्स आर बेटर देन निफ्टी, सॉरी अवर चार्ट्स आर बेटर देन नस्दाक, डाउ जोन्स, S&P, यूरोपियन स्टॉक इंडेसेस आप देख लो, कॉस्पी देख लो, सारे टॉप इंडेसेस आप देख लो, जो जिसको सबसे वर्ल्ड के मोस्ट ट्रेडेड इंडेसेस है आप उससे कंपेयर कर लो, निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग, आवर रुपी इज आउट परफॉर्मिंग ऑल द पियर करेंसी एक्सेप्ट डॉलर बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज एट 20-year high. आवर इन्फ्लेशन इज आउट परफॉर्मिंग अदर्स इन्फ्लेशन, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट इन्फ्लेशन इन द $1 trillion इकोनॉमी. अगर आप यूरोप की देख लीजिए, अगर आप उसको देख लीजिए, चाइना आप छोड़ सकते हो बिकॉज चाइना में अभी लॉकडाउन बीच में हुआ था तो उसका इन्फ्लेशन को कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक रकम से उन्होंने अपनी एक आर्टिफिशियली डिमांड को बंद करके रखा हुआ था तो ऑब्वियसली वो श्रिंक हो जाती है, इन्फ्लेशन उनका हमसे कम है, दैट इज द वन ऑफ द रीजन. सो यू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर आप देखते हो वी हैव परफॉर्म एवरीवेयर.
सो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद और हमारा मार्केट इतना मेच्योर हो गया कि वो एब्जॉर्व कर रहा है, एंड वो एब्जॉर्व करने के बाद एक डेप्थ आ गई है, एक सारी वो डेप्थ आने के बाद मुझे ये लगता है कि अब हमारी मार्केट इज गोइंग टू गेट री रेटेड, क्योंकि आज FII को ये लगता है कि इंडिया हैज बिकम सो मेच्योर कि आज हम लोग 3 लाख करोड़ की सेलिंग करके निकल जाए तो भी कोई उफ नहीं करता है, कोई मतलब ये द गवर्नमेंट ऑल्सो डोंट कम एंड डू सम कोएर्सिव एक्शन की उन्होंने शॉर्ट सेलिंग बैन कर दी या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, तो कोई एक्शन नहीं था FII के अगेंस्ट. सो देर वॉज नो सच एक्शन विच वॉज अर्लियर, इस टाइप के एक्शन आते थे, अभी ये एक्शन कोई भी नहीं आया. सो बेसिकली उनको खुला छूट दिया हुआ था, भी आपको आपका मन है, आपका आपका मन है, आपको बेचना है बेचिए, आपको अनवाइंड करना है अपना सेल बिकॉज आपका उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आपको अपना सौदा काटना है, आप काट के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट वॉज द वन थिंग वेरी बिग कम्फर्टिंग फैक्टर टू द FII कि आपने उनको कोई रोका टोका नहीं, तो जहां पर रोक टोक नहीं होती है वहां पर वो वापस आना प्रेफर करेंगे. सो दैट इज वन थिंग विच इज गोइंग टू हैपन एंड वेरी दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून. सेकेंडली हमें IT सेक्टर का, जैसे आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया, इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत टफ इन्वायरमेंट में आया एंड दे वर एबल टू डिलीवर अ गुड सेट ऑफ रिजल्ट. मुझे ये रिजल्ट खराब नहीं लगता है, बहुत लोगों को खराब लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता पर्सनली. सेकेंडली आप एक चीज देखोगे, जब जब US इकोनॉमी में स्ट्रेस आती है तब तक विद अ लैग इफेक्ट ऑफ 6 to 9 months उनकी आउटसोर्सिंग और बढ़ जाती है ITs में, क्योंकि वो लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, हेडकाउंट्स कम करते हैं, एंड देन दे रिलाय मोर ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द आउटसोर्सिंग टू द इंडियन कंपनीज. सो बेसिकली फ्रॉम 6 to 9 months के लैग इफेक्ट के बाद ऑलवेज यू विल सी ऑल दिस IT कंपनी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड दे विल परफॉर्मिंग लाइक बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे. सो दैट इज अ लैग इफेक्ट. और ये हिस्टोरिकली अगर आप ये इस टाइप की क्राइसिस कभी भी आई है US में तो आप ये देख सकते हो हर 9 month के बाद हमारे IT स्टॉक्स विल स्टार्ट गेटिंग री-रेटेड, क्योंकि उनको अचानक से बल्की डेटास, बल्की चंक्स ऑफ बल्क ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं बिकॉज उनको वहां पर कॉस्ट कटिंग करनी रहती है. एंड इंडिया इज लाइक, इंडिया में वो लोग अपना पूरा एक रकम से बैक ऑफिस शिफ्ट कर देते हैं और भी बड़ा धंधा देने लग जाएंगे. सो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंडली मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी ये जो रिप्लेसमेंट वैल्यूज है, हमारे कुछ कंपनीज है रिप्लेसमेंट वैल्यू के नीचे आ गई है. देखिए आज प्रॉफिट है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई टेल यू सम बिग कंपनीज इट टेक्स इयर्स टू सेट अप, इट्स नॉट इजी. माइनिंग कंपनीज है, स्टील कंपनी है, सीमेंट है, पावर है, इनको सेटअप करने में तेल निकल जाता है. आप जमीन लीजिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लीजिए, आप ये कोल की माइनिंग लीजिए, फिर माइनिंग को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिलाइए, एंड देन ऑल दिस थिंग्स हैपेंस. सो इट्स नॉट ईजी. बहुत बड़ी मोट आ गई है आज के डेट में कि आप इतनी हेवी इंडस्ट्री आप जल्दी से बैठा पाओ. सो दैट मोट इज इन द फेवर ऑफ दोज कंपनी विच आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश और ऑलरेडी लिस्टेड है. आज वो आपको काफ़ी रिप्लेसमेंट वैल्यू के नीचे मिल रही है, आप आज उसका प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, 1-2 quarters का हो सकता है आगे पीछे हो, बट थर्ड विद इन नेक्स्ट 2-3 quarters द डिमांड इज गोइंग टू पिक अप एंड दिस आपको पूरा का पूरा उसका जूस मिलेगा. सो दिस इज वॉट आई थिंक. और मुझे थर्डली, मेरे आई एम वेरी बुलिश ऑन द बैंकिंग. बैंकिंग ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट when the rate cycles turns towards low से लेकर high की तरफ जाती है. वो जब यू टर्न मारती है तो बहुत है, बिकॉज उसका रीजन यही है, आपके डिपॉजिट्स, जो बैंक्स के डिपॉजिट्स है वो हिस्टोरिकल डिपॉजिट्स में वो अपने रेट्स नहीं बढ़ाता है, लेकिन वो लेंडिंग, करंट लेंडिंग रेट्स में सब में रेट्स बढ़ा देता है. जैसे अगर आपके होम लोन्स होंगे उसमें आपके रेट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके FDs होंगे बैंक में तो उस पे रेट नहीं बढ़ेंगे. सो दैट यू नो दैट एक्सपेंशन ऑफ द NIM हैपेंस इन द बैंक. सो बैंक इज गोइंग टू पॉइज, इट्स गोइंग टू डू फैबुलस रिजल्ट गोइंग फॉरवर्ड. तो मुझे यहाँ से जब यू टर्न, नेक्स्ट 2-3 quarters बैंक्स का बहुत अच्छा होने वाला है. एंड सेकेंडली, बैंक ने अपना सारा कचरा क्लीन कर दिया है, दे आर हाईली अंडर लिवरेज. इंडियन इनकॉर्प इज हाईली अंडर लिवरेज, उन्होंने भी अपना बैलेंस शीट क्लीन कर दिया, तो दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी बिग एडवांटेज टू यू. सो यहाँ पर काफी चार्टिस्ट है, मैं आप, सिंस आप लोग चार्ट मेरे से ज्यादा बेटर समझते हो, मुझे आप 2 charts के बारे में बताइए. एक तो आप मुझे USD के बारे में बताइए और एक मुझे क्रूड ऑयल के चार्ट्स के बारे में बताइए. दोनों में आपके क्या विचार है?
थैंक यू ऋषि भाई, आई विल ऐड टू योर पॉइंट इन थ्री टर्म्स. फर्स्ट इज योर नॉट DXY, फर्स्ट इज योर 10 इयर्स ट्रेजरी ऑफ US, जिसको हम आजकल बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि वेनेसडे को है फेड का मीटिंग. सो जो मार्केट पिकअप कर रहा है वो पकड़ रहा है कि 0.75 इंक्रीज करने वाला है, तो हम उसमें ये लेके चल रहे हैं कि अगर 0.75% has been actually factor in. तो अगर फेड यहाँ से कोई भी डविश स्टेटमेंट दे देता है कि चलो ये लास्ट हाइक है, इसके बाद मैं हाइक नहीं करूंगा, वी विल वेट फॉर मोर डेटा, ऐसा कुछ अगर बोल दिया ना तो मार्केट शूट अप हो जाएगा. ऋषि भाई, तो मैं उसमें टेक्निकल की बात करता हूँ ना, तो टेक्निकल जब हम एक याद है आपको अपन ने एक स्पेस किया था है मार्केट बॉटम डॉट नॉट, तो आप भी आके आपने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे जब मार्केट 15,300 15,400 लेवल चल रहा था. आई एम एब्सोल्युटली मतलब मेरा वो मेमोरी पक्का है कि आप भी उस स्पेस में आए थे जब हम डिस्कस कर रहे थे है मार्केट बॉटम डॉट नॉट, और उसने जो रैली पकड़ के दी ना वहां से ऑलमोस्ट 1,400-1,500 पॉइंट्स चले. तो जब हम डी आई इसका 10 ईयर ट्रेजरी पकड़ते ना, तो 10 ईयर ट्रेजरी ने जो टॉप मारा था वो 3.5 मारा, उसके बाद वो वापस आया 2.75, उसके बाद वापस गया 3.1, आज वापस 2.75 पे ट्रेड कर रहा. तो मतलब ये जो आप पावल साहब की बात कर रहे हो ना, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला ना तो सितंबर के स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, ये तो मार्केट पकड़ के चल रहा है 0.75%. अगर उन्होंने कुछ नहीं किया ना, तो जो मैं स्टार्ट स्पेस में बोला था अभी वही रिपीट करता हूँ कि मार्केट कैसा शूट अप होगा ना पता भी नहीं पड़ेगा किसी को, सब्जेक्ट टू जो हमने नीचे के लेवल दिए कि भैया वो स्टॉप लॉस है वो कट जाता है तो हमारा भी स्टॉप लॉस कट गया यार. तो वेनेसडे तक क्या होगा हमें नहीं पता, बट एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि DXY सॉरी अपना 10 ईयर ट्रेजरी कहीं ना कहीं एक बार टॉप आउट दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इंडेक्स जो इतना चल के आया है वो कहीं ना कहीं टॉप आउट सिग्नल दे रहा है. सेकंड आपका क्वेश्चन था DXY का, तो DXY भी सेम टॉपिंग आउट सिग्नल दे रहा है, वो 109 से 106 तक ऑलमोस्ट आ चुका है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं टॉपिंग के सिग्नल मिल गए. थर्ड पॉइंट था आपका क्रूड, हाँ क्रूड और WTI. तो जब तक ये 90 और 95 के नीचे दोनों क्लोज नहीं देते, मतलब WTI को 90 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा और 2-3 दिन सस्टेन करे, सेम टाइम क्रूड को भी सॉरी ब्रेंट को भी 95 के नीचे सस्टेन करेगा ना, क्योंकि 130 और 140 जो उन्होंने टॉप लगाए थे रिस्पेक्टिवली फ्रॉम क्रूड एंड ब्रेंट, तो उनका भी एक बार टॉप हो गया. क्योंकि टेक्निकली हम क्या पकड़ते हैं जो क्लासिकल टेक्निकल थ्योरीज है कि कोई भी चीज टॉप से 20% गिर गई ना वो बेयरिश मार्केट में चली गई. अभी वो जब तक वो रशिया का वॉर चलता रहेगा हो सकता है ये कभी 90 पे सस्टेन कर ले, 90 से 88 भी चला गया और वापस ऊपर आ जाए तो वो चलता रहेगा. मतलब एक बार मार्केट ने उसको फैक्टर आउट कर दिया कि भैया तेरा टॉप लग चुका है, अभी इसके ऊपर जाते की संभावना नहीं दिख रही है अनलेस कि कुछ और नया आ जाए, कोई और चाइना ताइवान का वॉर हो जाए, कुछ XYZ नया फैक्टर आ जाए जो हमें नहीं पता है, जो पॉसिबिलिटीज है कहीं भी कुछ भी उठ के आ सकता है. तो ये जो तीनों पॉइंट थे ना, तो इन चीजों पे भी नजर रखो. हम हमेशा यही बोल रहे हैं आजकल कि भैया इन चीजों पे भी नजर रखना जरूरी हो गया. क्यों जरूरी हो गया? कि वो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं. जब तक इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे ना, जब क्रूड कुछ चलता ही नहीं था, 60-65 वहीं घूमता रहता था, तो उसका इम्पैक्ट नहीं था. रोज का क्या क्रूड पकड़ने, अभी पक्का इम्पैक्ट करता है रोज का रोज, तो इसके लिए उसको ट्रैक करने का. हम DXY इतने टाइम ट्रैक नहीं करते थे, हम US ट्रेजरी ट्रैक नहीं करते थे कभी. क्यों ट्रैक कर रहे हैं? कि भैया अभी मार्केट उसी के पीछे घूम रहा है जो फैक्टर मार्केट को चला रहा है, तो उस फैक्टर को नहीं पकड़ के जाएंगे तो हम क्या मक्खियां मारने थोड़ी बैठे बजाने. तो जैसा मार्केट का आपको पता है अमित भाई, सबसे ज्यादा इन्होंने टेस्ला को शॉर्ट किया था और सारे शॉर्टर्स ने मिलके 3% आउटस्टैंडिंग शेयर्स को शॉर्ट कर दिया. टेस्ला राइट नाउ इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट स्टॉक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड उसमें अचानक से 10% का जब अप मूव आया, ये शॉर्टर्स की सबकी लग गई. $3 billion का तो आउटस्टैंडिंग उनको अभी चुकाना पड़ा है मार्क टू मार्क. सो मतलब द शॉर्ट आर नाउ गेटिंग स्क्वीज, और लास्ट वीक वॉज एन मतलब अचानक से उनको बहुत रूड जोल्ट मिला है. एंड दिस इज द अगेन मुझे लगता है यहाँ पर 3-4 चीजें हो रही है. एक तो यूक्रेन एंड रशिया का वॉर इज नियरली गेटिंग ओवर, क्योंकि अब काफी चीजें अब हो रही है. इवन दे आर टोइंग द यूक्रेन इज टोइंग राइन, यू कैन सी कि अब वो जो एक उन्होंने फूड के ऊपर एक फ्रीज रखा था, फूड को भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया शिपिंग करने के लिए. यूक्रेन में जो फूड ग्रेन्स एक्स्ट्रा स्टॉक थे वो शिपिंग होने लगे. सेकेंडली ग्रोथ कंसर्न हैज ओवरटेकन द इन्फ्लेशन फियर्स.
अभी कोई इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा है, सब कोई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अभी बहुत दिनों के बाद यूएस की इकोनॉमी नीचे चली गई, श्रिंक हुई है। चाइना की जो इकोनॉमी है जस्ट 0.4% ग्रोथ हुआ है। सो द ग्रोथ इज अ वेरी बिग कंसर्न, एंड मुझे अब ऐसा लग रहा है कि फेड इज गोइंग टू स्टार्ट इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, क्योंकि अगर वो लिक्विडिटी नहीं करेगा तो यूएस इज गोइंग टू कोलैप्स, एंड मुझे नहीं लगता है दे आर गोइंग टू डू दैट थिंग, क्योंकि दे आर वेरी वेरी प्रूडेंट थिंग। उनको अगर जरूरत पड़ेगा तो पूरा का पूरा खजाना खोल देंगे, लेकिन यूएस को कोलैप्स नहीं होने देंगे बिकॉज दैट्स अ कैपिटलिस्ट कंट्री। तो ये चीज है। एंड क्रूड का जो आप बता रहे हो कि क्रूड बियरिश में आ गया है, आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी भी लग रहा है कि क्रूड बहुत ज्यादा बियरिश है। मुझे अभी यहाँ से 70 के लेवल लग रहा है। अब हो सकता है एक बार ऊपर आ जाए, एक बार नीचे जाए, $2-5 ऊपर जाए, फिर $8-10 घटे, वो ऊपर नीचे करते करते इट विल ग्रेजुअली गो डाउन। सो अगर आप चार्ट में और भी क्लियरली कुछ देख सकते हो तो प्लीज हमें बताइएगा। थैंक यू। श्योर आशीष भाई, अपडेट द चार्ट टुमारो। तो घनश्याम भाई, रिजल्ट्स क्योंकि आप फंडामेंटल देखते हो। रिजल्ट्स मैंने आज तो देखे नहीं है। गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। ऋषि भाई, अभी जो लास्ट के 3-4 दिन का अगर ट्रैक देखे तो रशिया के काफी सारे सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज जो है वो थोड़े थोड़े रिलीज कर रहे हैं। इसमें से एक ऐसे लगता है कि अभी वापिस से ये नाटो और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बैकफुट पे जा रहे हैं और रशिया आगे आएगा, क्योंकि उसके हाथ में गैस का टैप है। वो चाहे जब गैस दे रहा है, थोड़ा रिलीज कर रहा है, थोड़ा बंद कर दे रहा है। तो यहाँ से एक ट्रिगर पॉइंट लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा स्पाइक हो। दूसरी बात, आपने जो आईटी का कहा था, आईटी इंडेक्स जो है ओवरऑल उसमें हाई वेटेड कंपनी ज़्यादा है, उसमें वो अपने 52 वीक हाई और 52 वीक लो में उसने 50% का डिफरेंस बनाया था, और आज की डेट में वो अपने 52 वीक लो से सिर्फ 7.56% कवर अप हुआ है वो। और अगर निफ्टी को आगे बढ़ना है तो निफ्टी में ये जो बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह है, उसके बाद में बैंकिंग, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आईटी इंडस्ट्रीज का है, और आईटी इंडेक्स अगर नहीं बढ़ेगा तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। आपकी क्या राय? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मार्केट ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट, मार्केट हिस्टोरिकल डेटा पे नहीं वर्क करता है। आज अगर इंफोसिस का रिजल्ट आ गया, दैट हो सकता है कल हल्का सा नीचे रिएक्शन हो, और स्मार्ट मनी हो सकती है कल घुस भी जाए इंफोसिस के अंदर, क्योंकि इंफोसिस ट्रेडिशनली इनका जो खराब क्वार्टर होता है उसके बाद हर समय उस समय जो जिसने भी इन्वेस्ट किया होता है दे ऑलवेज गिव अ गुड मतलब रिटर्न्स, हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है ये। सो दैट इज वन थिंग विच इज देयर। सेकेंडली, अभी काफी ये चीजें हो रही थी तो मुझे लगता है कि अभी आपके विद इन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर ये जो कॉस्ट कटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी वहां पर काफी स्क्वीज हो गई है, तो दैट बिजनेस विल कम टू द इन्फोसिस, दैट बिजनेस विल कम टू द TCS एंड द अदर टॉप इंडियन कंपनीज, तो वो दैट इज गोइंग टू यू नो बूस्ट द बॉटम लाइन, सब सारे बॉटम लाइन फटाफट होंगे। हाँ देखो यार, 20,000 करोड़ का कैश फ्लो है, 20,000 हार्ड कैश आता है कंपनी में, तो मुझे तो ये इस भाव में कंपनी कोई खराब नहीं लगती है। घर में इतना कैश पड़ा हुआ है और आपके 20,000 करोड़ का कैश फ्लो आ रहा है, तो विच इज जस्ट गिविंग अ पी रेशियो ऑफ 30, 30 का पी रेशियो में, और उसमें इतना सारा तो कैश पड़ा हुआ है, अभी एक बाईबैक भी आ गया तो आराम से इसका भाव वापस अच्छे लेवल पे चला जाएगा। तो मुझे इसमें 30 के रेशियो में मुझे नहीं लगता कि आई एम वेरी वरीड अबाउट द इन्फोसिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इन्फोसिस हिस्टोरिकली इट्स अ गुड प्राइस टू मतलब स्टे, और अगर आपको निम्बल करना है तो कर भी सकते हो। लेकिन मैं दो चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने अभी बोल रहे थे कि नेटो की बात कर रहे थे कि नेटो जो है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नेटो बड़े दोगलापन किया है यूक्रेन के साथ। एक तरफ से उन्होंने यूक्रेन को इन्विटेशन भेजा था कि आप नेटो ज्वाइन कर लो, हम लोग देख लेंगे, हम लोग आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि नेटो ने $80 बिलियन का गैस खरीदा है रशिया से, डिस्पाइट
levying sanction on Russia. And this figure is after the war has started, after the Russian invasion. उसके बाद उन्होंने 80 बिलियन डॉलर का एनर्जी लिया, मतलब गैस ऑयल सब मिक्स करके, सो 80 बिलियन डॉलर. एंड उन्होंने यूक्रेन को कितना एड दिया, 4 या 5 बिलियन डॉलर. सो यू कैन इमेजिन द मतलब हॉलोनेस ऑफ द नेटो फोर्सेस. और ये सारे नेटो कंट्रीज ने लिया, ये सारे ये आपके जर्मनी ने लिया, ये आपके सारे टॉप नेटो कंपनीज ने जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने ये सारी ऑयल एंड गैसेस लिए है. तो दैट इज वन थिंग. सो और मुझे लगता है कि रशिया के पास अब बहुत पावर आ गया है. वो जिस दिन चाहे वो गैस को टैप को बंद कर सकता है मेंटेनेंस शटडाउन के कारण, 10 दिन भी बंद कर दिया तो बैंड बच जाएगी जर्मनी की. और जर्मनी जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है वो रशियन गैस के कारण है. वो जो इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना हुआ है वो रशियन गैस के कारण बना हुआ है. आप रशियन की गैस हटा दो, इंडस्ट्री पावर हाउस खत्म हो जाएगा जर्मनी. सो दैट इज वन थिंग, इवन दे नो दिस. और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कुछ भी करेंगे. अब दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. और सेकेंडली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी विंटर्स आ रहा है. अभी तक तो गर्मी चल रही थी, आपको भी पता होगा ब्रिटेन में 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, तो इतनी गैस की खपत नहीं थी. अब जैसे जैसे ये विंटर आई ना, वैसे वैसे गैस की खपत और बढ़ेगी, बिकॉज दे विल बी नीडिंग गैस इन दिस फ्रीजिंग एटमोसफेयर, फ्रीजिंग टेम्परेचर तो क्लाइमेट में. तो उस समय दे विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन द रशिया. तो वो लोग चाहेंगे कि ये वॉर जल्दी से एंड हो, यूक्रेन को अनेक्स कर दो, भले ही जो करना है करो. रशिया को दे विल गिव द ग्रीन सिग्नल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द यूक्रेन, बट अल्टीमेटली जस्ट कम्प्लीट द वॉर, जो भी करना है खत्म कीजिए, और वी आर ओके विद दैट. और ग्रेजुअली हर 2-3 महीने में आप देखोगे धीरे धीरे वो लोग सैंक्शन हटाने लग जाएंगे. सर, आई वांटेड टू ऐड अ पॉइंट ऑफ दिस. आई थिंक रशिया इज गोइंग फॉर द फुल मोंटी. रशिया यूक्रेन को कंट्रोल पूरा ले लेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब रशिया इंटरेस्टेड नहीं है कुछ भी सीज फायर हो, कुछ भी पीस टॉक्स हो. एक्चुअली वो पासपोर्ट तो जो उनके जो दो रीजन है उसमें तो बांटना रशिया ने चालू कर ही दिया है. एंड आई एम ऑफ द व्यू दैट रशिया विल टेक फुल कंट्रोल ऑफ यूक्रेन एंड इट विल बी द रशियन टेरिटरी इन कमिंग 6 मंथ्स और 4 मंथ्स जो भी. मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं से भी पीस टॉक्स का कुछ और भी कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है. दैट इज माय पर्सनल व्यू, बट आई डोंट सी अ सॉल्यूशन, क्योंकि नेटो भी हो गया, टर्की ने भी थोड़ा इंटरवेंशन दे दिया, फ्रांस ने, मैक्रम ने भी कुछ किया था, वो सारा कुछ कहीं पे जा नहीं रहा सर. और ये जो अभी जो उन्होंने जो टर्की में ये जो कुछ डील साइन हुई थी टू ईज द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स एंड वीट्स एंड ऑल दैट, बट मुझे ये लग रहा है कि रशिया विल गो एंड कैप्चर द होल ऑफ यूक्रेन एंड इट विल बी अ रशियन टेरिटरी इन कमिंग 4 to 6 मंथ. इसका सॉल्यूशन तो यही होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी. ऋषि सर, इफ यू कैन. नहीं नहीं, आप जो बात बोल रहे हो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन अब रशिया को पूरा यूक्रेन कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है. उसने सारे पोर्ट्स कैप्चर कर लिए, उसने मेन मेन जगह कैप्चर, अब उसके पास जो बचा है वो एक लैंड लॉक एक रीजन बचा है यूक्रेन के पास, और वो भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रशिया है, क्योंकि वहां से उसकी पाइपलाइन जाती है. तो पाइपलाइन जाती है तो वो चाहेगा कि वो रशिया ज्यादा से ज्यादा गैस बेचे, क्योंकि वो पाइपलाइन की एक ट्रांजिट फीस यूक्रेन को मिलती है. सो अब यूक्रेन का जो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रशियन पाइपलाइन एंड सम एग्री कमोडिटीज लाइक वीट एंड ऑल. तो आपको भी पता है वीट में कितना मार्जिन होता है, क्या होता है, कुछ नहीं है, और दे विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दोज थिंग. तो मुझे अब यूक्रेन इज has become a completely lame duck. उसने बहुत बड़ी गलती की रशिया से पंगा लेने की. रशिया was very clear about it कि मेरे जो एक सोवियत वाले जो भी स्टेट्स है जो इंडिपेंडेंट हुए आफ्टर USSR disintegrate हुआ है, वो उनमें से कोई भी नेटो नहीं ज्वाइन करेगा. और बिडन ने भी आज से 20 साल पहले ये बात अपने जब वो सीनेटर था तब उसने बोली भी थी कि जिस दिन हम लोग का वॉर रशिया के साथ तभी होगा जिस दिन हम लोग एक्सपैंड करेंगे नेटो को रशिया के बॉर्डर तक. तो आज वो लोग वही काम कर रहे हैं एंड दैट एक्चुअली यू नो इरेक्ट रशिया. रशिया का बहुत क्लियर पॉलिसी था, डे वन से पॉलिसी था कि भैया वहां तक मत आओ, तुमको यूरोप में जो करना है करो, हम मेरे जो पुराने कॉलोनीज है या मेरे जो पुराने वो कंट्रीज है नेशंस है उसको आप टच नहीं करोगे. सो दैट वॉज अ वेरी क्लियर यू नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रशिया कि उसको आप टच मत करो, बाकी आपको जो करना है करो, आप पोलैंड को करो, आप यूरोप में कोई भी कंट्रीज करो, वी आर लीस्ट बॉर्डर्ड.
बट देन यूक्रेन को कीड़ा काट गया था, तो दैट दे हैव डन दिस थिंग. सो नो एक्चुअली सर, इसमें थोड़ा रशिया इटसेल्फ पे सरप्राइज ऑफ द आउटकम, बिकॉज द नेटो हैज कम आउट सो वीक एंड द यूएस इज लिटरली डूइंग नथिंग. जर्मनी हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स और द मेजर यूरोपियन कंट्रीज, उनको सबको गैस की डिपेंडेंसी है, और रशिया को भी मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी इतना वीक रेस्पॉन्स का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था. सो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नेटो का, यूएस का और जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज है उनका जो रेस्पॉन्स रहा है, तो वो इट हैज मेड पुतिन मोर डिटरमेंट के इट इज अ चांस कि मैं पूरा इस यूक्रेन को तो कंट्रोल कर ही लूँ, एंड उसके बाद भी यूरोपियन जो नेशंस है उसमें मैं अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दूँ. आई थिंक ये इस वॉर से जो आउटकम हुआ है, इट इज़ द बिगेस्ट थिंग, एंड पुतिन हैज क्लियरली अंडरस्टूड दिस एंड ही इज प्लेइंग विद इट. वो उसको एक घंटा गैस चालू करना होता है, वो अपनी मर्जी से एक घंटा चालू करता है, वो टर्की में जाके वीट एक्सपोर्ट का रूट क्लियर करना है उस पर जाके डील करके आता है, और वहाँ पे जो उनका सबसे बड़ा जो ग्रेन का है वहाँ मिसाइल छोड़ देता है. तो ही इज प्लेइंग इट विद ऑल. सो आई थिंक इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑल्सो यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे दैट ही हैज स्पिट ऑन द फेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो इट वॉज अ स्टेटमेंट गोइंग अराउंड लाइक दैट. सो रशिया अंडरस्टूड दिस दैट ही इज इन He has the cards and he will play accordingly. Himanshu ji, मैं आपको बताता हूँ, 2014 में जब रशिया ने आपके क्रीमिया को एनेक्स किया था, उस समय भी ये सारे यूरोपियन नेशन ये बोले हम लोग रशिया को बॉयकॉट करेंगे, हम लोग उनकी एनर्जी नहीं लेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग उसकी गैस को बॉयकॉट कर देंगे, हम लोग सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए, रशियन ये एनर्जी से इंडिपेंडेंस चाहिए. एक दो साल के बाद सब भूल भुला गए, वापस वही घोड़ा, वही मैदान, वही रशिया का गैस, वही रशिया का ऑयल सब चलने लग गया. तो दिस इज व्हाट द यूरोप इज. यूरोप का खुद का कोई स्टैंड नहीं है. एक दो साल में वो लोग सब अपना थूका हुआ चाट लेंगे. और मैं आपको बता देता हूँ, आज अपने 2022 है ना, आप 2024 तक देखिए इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा, वही रशिया से वही गैस लेंगे, वही पाइपलाइन से वो गैस जा रहा है रशिया का, वो पूरा मस्ती से गैस यूज कर रहे हैं सारे यूरोपियन वाले. तो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू हैपन. एंड मजे की बात है, ये जो सैंक्शंस हुआ है ना, उसमें जो यूएस ने लगाया और यूरोप वाले ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, और सबसे ज्यादा फायदा तो रशिया को हुआ. उसकी आप देखो, उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेटर हो गई, उसका जो करेंसी है वो आगे से बेटर हो गया, 5-6 years हाई चल रहा है. और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यूरोप एंड यूएस को. वहां पर 9% की आपके इन्फ्लेशन आ गई है, बिडेन की हालत खराब है, आपके इटाली में वो मारियो दरगाह को लोगों ने लात मार के निकाल दिया है, मैक्रोन की जो विनिंग मार्जिन है एकदम स्लेंडर हो गई है, जैसे जस्ट बेयर थ्रू है, बोजो बाहर निकल गए हैं. तो यू सी द काइंड ऑफ यू नो पॉलिटिकल जो एक जो इनस्टेबिलिटी आई है यूरोप में, ऐसी इनस्टेबिलिटी बहुत दिनों के बाद दिखी है. एंड अमेरिका में भी आप देख रहे हो, लीडरशिप इज जस्ट अ जोक. क्योंकि हम कोई ऐसा पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं. मैं बस एग्जांपल दे रहा था, नथिंग एल्स. लीडरशिप ऑफ यूएस एंड द अमर्ज ऑफ रशिया, आई थिंक इट विल चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर इन कमिंग टाइम्स. आई थिंक हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, चाइना थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है. मुझे लगता है कि रशिया
कि रशिया विल बी एक रशिया चाइना एंड इंडिया कैन हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड. एंड जैसे कुछ चीजें काफी मतलब इंटरेस्टिंग हो सकती है. सो दिस काइंड ऑफ फीलर्स आर बीइंग अगर सर चाइना अपना जो एक्सपेंशन उसका जो है वो अगर इंडिया की तरफ वो ये अपना पॉलिसी छोड़ दे एक्सपेंशन पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया विल इंटरफेयर एनी टाइम इन वियतनाम और गोइंग उसको जहाँ पे भी इधर उधर जापान की तरफ जो भी एक्सपेंशन करना है. पर अगर इंडिया की तरफ छोड़ दे तो जो आप बोल रहे हैं आई एब्सोल्युटली एग्री उसमें रशिया इंडिया एंड चाइना कैन डू अ वेरी गुड कोलैबोरेशन ऑल ओवर. मुझे लगता नहीं कि इंडिया को कभी कहीं भी जाने में इंटरेस्ट है. इंडिया इज वेरी इनवर्ड लुकिंग राइट नाउ. इंडिया की जो पॉलिसी है बहुत प्रो इंडिया हो चुकी है. वो सिर्फ अपना इंडिया फर्स्ट देखती है. अभी राइट नाउ उनकी पॉलिसी है कि भैया इंडिया का भला करो बाकी जाए तेल में. हमें यूक्रेन को भी सपोर्ट नहीं करना है, हमें रशिया को भी सपोर्ट नहीं करना, हमें किसी को कुछ नहीं करना है. वी वॉन्ट टू हैव अ आर्म डिस्टेंस न्यूट्रल रिलेशनशिप. अब दो लोग लड़ते हैं उसमें अपने को एक साइड में जाना है ये कोई जरूरी नहीं है. सो वी अभी जैसे हमने देखा यूक्रेन एंड रशिया का वॉर में इंडिया वॉज इक्वी डिस्टेंस. इंडिया ने दोनों तरफ मतलब बैटिंग की. यूक्रेन को भी कुछ हेल्प कर दी इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑल, जो भी देना था दे दिया. एंड रशिया को भी एक रकम से रशिया के अगेंस्ट भी नहीं गए. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट व्हिच इज हैपनिंग इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड वो शिफ्ट इज पेइंग. अभी आपने देखा होगा जब WTO के अभी इतने सारे जब हुए तो इंडिया इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्गर. इन्होंने अपनी सारी बातें मनवाई है WTO में एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट. अगर आप देखो दैट्स अ वेरी बिग विन फॉर द इंडिया एज अ होल कि WTO में हमने सारी बातें मान ली. मतलब वर्ल्ड हमारे WTO के लोगों ने हमारी सारी बातें मान ली. सो दैट्स अ वेरी इमर्जेंस ऑफ अ न्यू इंडिया व्हिच आई थिंक. ऋषि भाई, ऋषि सर, एक ये बताइए जैसे अभी यूरोपियन यूनियन कई बार बोलता है कि हम 8 से 10 साल में रशिया पे से और गैस पे से अपना एनर्जी का डिपेंडेंस पूरा हटा देंगे, कम कर देंगे या सिग्निफिकेंटली कम कर देंगे. ऐसा दूसरा क्या सोर्स है उनके पास में एनर्जी का? कोई ऐसी दूसरी टेक्निक है जिसकी वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके? समर में तो वहां पे इतनी बर्फबारी होती है, इतनी बर्फबारी होती है कि सूरज का नामो निशान नहीं रहता. घनश्याम भाई, उसमें सबसे बड़ा जो फोर्स आ रहा है ना, जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, जिसके पास एक्सेस प्रोडक्ट बन रहा है, वो है यूएस. यूएस को अपना प्रोडक्ट बेचना है गैस और ऑयल. अमित, जो घनश्याम भाई का क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा सा, उनके पास देखिए एनर्जी डिपेंडेंसी में एज सच कुछ नहीं है क्योंकि वो रशिया पे हैवीली डिपेंडेंट थे. अब जो वो कर रहे हैं अभी, इट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द यूरोप इंक्लूडिंग UK. दे आर डेवलपिंग सोलर एनर्जी फॉर द, क्योंकि हाइड्रो उनके पास हाइड्रो एनर्जी तो बहुत सारी है, सोलर उनके पास नहीं है क्योंकि वहाँ का वेदर उसको पूरा इस अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करता है. सो व्हाट इज गोइंग ऑन बेसिकली इन यूरोप दैट दे आर डूइंग अ कंपल्शन, इफ यू बिल्ट अ हाउस यू हैव टू हैव अ सोलर पैनल एंड दैट. वो अभी जो नए हाउस कोई डेवलप हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं या जो वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी नया हो रहा है उसमें वो इसको कंपल्शन कर रहे हैं. और जहाँ तक गैस की है डिपेंडेंसी, गैस की डिपेंडेंसी तो ऐसे हो नहीं सकती बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल थिंग. सो आई थिंक दे आर मूविंग आउट टू अफ्रीका. मैंने कुछ पढ़ा था अफ्रीका में वो कुछ सोर्सेज डिस्कवर कर रहे हैं कि वहाँ से वो कर ले, पर वो भी इतना 8-10 साल के स्पैन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अफ्रीका से गैस लाना रशिया के, तो चलो एक पाइपलाइन है वो यूरोप से कनेक्टेड है तो वो उस पाइपलाइन से ही वो गैस का पूरा उनका हो रहा था. अब वो अफ्रीका में भी गैस डिस्कवर करेंगे, उसको वापस वो यूरोप तक लाएंगे, फिर उसको पूरी सप्लाई करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट द एनर्जी सोर्स बेसिकली उनके पास हाइड्रो तो वहाँ सब जगह है एंड सोलर पे वो थोड़ा काम कर रहे हैं. सोलर उनके लिए थोड़ा सा क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है अभी, बट आई डोंट थिंक इट विल बी 8 to 10 years प्रोसेस. इट विल टेक अराउंड धूप ही नहीं आती वहाँ पर, सनलाइट नहीं. यस सर, दैट इज दैट वाज अ वेरी बिग थिंग.
एंड सेकेंडली क्या होता है, रात को आप क्या करोगे, सोलर आपको, और बैटरी जो होती है ना, हमें हमें लगता है कि सोलर इज वेरी चीप, सोलर इज चीप इन द डे लाइट, जब धूप आती है, जब सनलाइट आती है, तब ऑब्वियसली आप उसको रिप्लेस कर सकते हो फॉसिल एनर्जी से, कि आप उस समय कोल मत बंद कीजिए या उस समय आप गैस मत बंद कीजिए, आप उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, आप अपना विंड एनर्जी से रिप्लेस कर दीजिए, सोलर से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली सोलर ही होता है क्योंकि विंड इज वेरी इराटिक एनर्जी, और सोलर भी बहुत इराटिक है, हमारे जैसे राजस्थान है या हमारे इंडिया के जो स्टेट्स है जहाँ पर सोलर इज वेरी गुड, वहां पर एकदम कांस्टेंट धूप आती है, बहुत अच्छी धूप आती है, तो एक वायबल हो जाती है वहां पर, हमारा जो टैरिफ है वो 2 से 3 रुपया के यूनिट के हिसाब से वायबल हो जाता है आराम से। लेकिन आपके वहां पर यूरोप में ये जो टेम्परेट जोन है वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंडली आप बोल रहे हो कि रशिया का वो लोग रिप्लेस करने की बात करें, उन्होंने यही बात 2014 में की थी जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था। क्रीमिया वॉज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, एकदम नीचे में श्रीलंका जैसा एक बड़ा पार्ट था, उसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था, 2014 की बात है। और उसके बाद भी इन्होंने ऐसे ही गाना गाया था कि हमें रशिया का ऑयल नहीं चाहिए, और वो आज तक उसको रिप्लेस नहीं कर रहे। उनके पास 8 साल था, 2022 में हुआ ना ये यूक्रेन का वॉर, उनके पास 8 साल था, उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। और अब चाइना के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बायस, अब चाइना क्या कर रहा है, अपना पूरा का पूरा गैस एंड ये ऑयल के जो पाइपलाइन है वो चाइना की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। सो बेसिकली अब उसको एक रेडी बायर मिला हुआ है, तो अब उसको गरज भी नहीं है, उसको अब कोई टेंशन भी नहीं है कि वहां दे या नहीं दे, उसको बेटर प्राइसिंग मिल रही है, चाइना वहां उसको दे रहा है अच्छा खासा, जो प्राइसिंग यूरोप दे रहा है उसे बेटर प्राइसिंग चाइना दे रहा है, तो उसको क्या मतलब है। और चाइना इज पेइंग इन द युआन, उसको अपने जो अब चॉइस ऑफ देयर ओन करेंसी में दे रहा है, डॉलर में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉलर के एसेट्स कभी भी कोई भी फ्रीज कर देता है, तो दैट इज द रीजन। अब रशिया इज ऑल्सो हैविंग अ प्लान टू, कि यूरोप के पास अगर ऑल्टरनेटिव प्लान वो लोग सोचे तो रशिया भी अपना ऑल्टरनेटिव प्लान सोच रहा है कि भैया हमें इंडिया को बेचना है माल, हमें अपने चाइना को बेचना है। चाइना इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि दे शेयर द कॉमन बॉर्डर, इंडिया डिफिकल्ट इसलिए पड़ता है कि हमें वो शिपिंग रूट से लानी पड़ती है। तो ये सारी जो चीजें हैं काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। अब अगर वो पाइपलाइन अगर इंडिया में आ जाए, बट देन देयर आर टू थ्री कंट्रीज, उसमें एक चाइना है, चाइना आने नहीं देगा, तो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो ओनली वे इज शिपिंग, सो दैट इज द वन थिंग। और वो रिन्यूअल और एनर्जी नहीं पावर कर पाएगी, जो दे उनका जो पर कैपिटा कंजम्पशन है हमसे कम से कम 7-8 गुना ज्यादा है, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन से ज्यादा है, मतलब हमें हमारी वर्ल्ड हमारी पॉपुलेशन 17% है, बट हमारा जो वर्ल्ड में जो कंजम्पशन है ये एनर्जी कंजम्पशन 5% है, एंड उनका जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उससे ऑलमोस्ट 3 times ज्यादा है, हमारा 1/3 है, उनका 3 times ज्यादा है। सो यू कैन इमेजिन ऑलमोस्ट 9 times का डिफरेंस है हमारा उनका पर कैपिटा कंजम्पशन का। सर द थिंग इज आई थिंक फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम दे विल बी हेविली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर द गैस एंड इवन फ्यूल ऑल्सो, बिकॉज वो यूएस के पास तो एक लिमिटेड रिजर्व है, उसने थोड़ा थोड़ा करना भी चालू किया है रिलीज पर, मुझे नहीं लगता कि एक शॉर्ट टर्म में ये सारा जो इतना पुराना सेटअप है वो बिल्कुल भी चेंज हो सकता है या उसको रिप्लेस कर सकता है। सर यूएस के पास सोलर एनर्जी भी है ना, उसके पास धूप वाली जगह भी है, उसके पास डेजर्ट्स भी है, वो चाहे तो तुरंत सोलर को कन्वर्ट कर सकता है, उसके पास शेल गैस भी है, उसके पास 600-700 रिग्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो यूएस इज मच मच, और उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, अगर आप देखो उसके पास जितनी एरिया है उस हिसाब से उसकी पॉपुलेशन से मात्र 30-32 करोड़ है। यूएस तो रिजर्व भी कर रहा है, वो वैसे बाय भी कर रहा है, वो किसी को दे थोड़े ना रहा है, वो यूरोप को भी आके देगा नहीं ना, वो तो खुद के लिए रिजर्व कर रहा है चाहे कोई भी चीज़ हो। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो तो यूरोप में ही आ रही है, क्योंकि यूरोप की 100% डिपेंडेंसी है, तो अगर ये कभी लुकअप भी करेंगे यूएस की तरफ तो वो देगा ना, यूरोप को कैसे दे देगा वो। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जो मैं पहले बोल रहा था, यूएस क्या करना चाहता है कि भैया एनर्जी तुम्हें चाहिए ना मैं दूंगा, वो कैसे देगा, थ्रू पाइपलाइन, वो पाइपलाइन कहाँ से जाएंगे, ओशन के थ्रू। अब ओशन को बनाने में टाइम लगेगा, आई टोटली एग्री योर पॉइंट कि वो अफ्रीका में जाके ढूंढेगा और उसके पास पाइपलाइन बनाने में 20 साल लग जाएंगे, अमेरिका कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगा के ना 10 साल में कर देगा, बट उसको भी 10 साल लगेगा, तब तक वो क्या डिपेंडेंसी करेंगे।
भैया घर पे सर्दी पड़ेगी, -50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तब कोई क्या करेगा? तब उसके पास, गरीब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो मर जाओ या गैस खरीद लो। अब वो यूक्रेन फुक्रेन चलता रहेगा उनका जिंदगी भर, वो यूक्रेन का इश्यू चलता रहेगा, वो कभी जाके कजाकिस्तान पकड़ देगा, जो भी उसके पुराने पार्ट्स थे। पुतिन साहब का मैं स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, ये भी मैं कहीं पढ़ के आया था, तो पुतिन साहब तो बोलते भैया मेरे 15 तुमने अलग किए ना, मैं 15 का 15 वापस जोड़ दूंगा। तो ये पुतिन साहब झगड़ा करते रहेंगे, वो उनके ऊपर है कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे। सो लेट्स कम बैक टू फ्रॉम जियो पॉलिटिकल इश्यूज टू आर मार्केट। हमें ट्रेड करना है निफ्टी कल सुबह, बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, तो वापस निफ्टी बैंक निफ्टी पर आ जाए थोड़ी देर के लिए, या स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते। चलो ठीक है। तो घनश्याम भाई आपने बहुत सारे चार्ट निकाले आज, मैं नहीं देख पाया, मेरा हेल्थ प्रॉपर नहीं था। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ उस पे जो हम जो हमने एक स्कैनर बनाया था, वीकली मूविंग एवरेज 7 क्रॉसिंग ओवर वीकली मूविंग एवरेज 20, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 स्टॉक जो है वो 10% से ज़्यादा उन्होंने रिटर्न दे दिया है एंट्री डेट से। उसमें एक है फ्लोरोकेम, जो गुजरात फ्लोरोकेम ऐसा वो कंपनी का नाम है। दूसरा है TI जो तिलक नगर इंडस्ट्री है, और तीसरा हमारा है SKF इंडिया। SKF इंडिया बेयरिंग वाला है, ठीक है। तो इनके अंदर में अभी अगर किसी का एंट्री है तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो अभी जो पहले दिया हुआ था इनिशियल, उसके जगह पे अभी कॉस्ट प्लस 5% पे ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में एक FSL पे एक थोड़ा नज़र रखो, उसका डेली RSI जो है 75 के क्रॉस हो चुका है। अभी यहाँ से अगर RSI ऊपर बढ़ता है तो स्टॉक तेजी से ऊपर बढ़ेगा, और RSI अगर नीचे आता है 70 क्रॉस डाउन करता है तो एग्जिट करना ज़्यादा बेटर रहेगा उसमें से। और ये देखना है हमको उसका डेली RSI दोपहर में 1:30 बजे से 2:30 बजे के टाइम के बीच में, ठीक है। और अगर RSI 85 चले जाता है, 85 क्रॉस कर जाके अगर नीचे आता है तो फिर बाद में आप उसमें फुली प्रॉफिट बुक करने का भी अपना डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद में वो स्मूथ होगा ही होगा। देन मैंने जो स्टॉक स्पेस में डिस्कस किए थे पहले, वो अभी भी ठीक चल रहे हैं। खाली एक ट्राइडेंट जो है वो 50 का RSI ब्रेक करने के कगार पे है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखो। वो अगर वापस टेक्सटाइल का कंपनी है, वापस अगर ऊपर जाने लग जाए तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करो, और नीचे आए तो एक बार का एग्जिट ले लेना। देन निफ्टी जो है, निफ्टी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर 16,490 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे निफ्टी नहीं आना चाहिए। और अभी ऐसे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मूव करे, क्योंकि IT सेक्टर अगर उसको सपोर्ट करेगा तो ही ये ऊपर जाएगा, और ऐसा मेरा मानना है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा, बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ा अच्छा साथ दिया है, ऑटो सेक्टर पहले चल गया था। उसके बाद में अगर हम निफ्टी के चार्ट पे अगर नजर डालें तो 17th जनवरी को उसने एक लोअर टॉप लोअर हाई बनाया था, जहाँ पे RSI 70 पहुँच गया था, और वहाँ से उसने एक रिवर्सल दिया था। उसके बाद में 4th अप्रैल को नियर अबाउट 70 आया था, वो एग्जैक्ट 70 नहीं आया था, और वहाँ से वापस उसने लो बनाने शुरू कर दिए थे, और अभी वापस पीछे का जो लोअर हाई था वो लोअर हाई क्रॉस कर रहा है अभी निफ्टी। तो और अभी निफ्टी का RSI वापस से 70 के पास में आ गया है, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ। स्टॉप लॉस थोड़े हिट हो सकते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एक बार का थोड़ा बाहर निकल जाना, और वापस इसका 16,800 क्रॉस करने का वेट करना है। अभी मेरे ख्याल से निफ्टी थोड़ा साइडवेज जोन में ही चलेगा। बाकी और कोई ज्यादा साइडवेज कितना मतलब नीचे का रेंज ऊपर का रेंज आपके हिसाब से?
16,500 साइडवेज मतलब एक एक रेंज में चलेगा वो 500 से 700 के रेंज में फिर वो 3-4% है यार 116,000 का इंडेक्स है तो 4% कुछ भी नहीं है बहुत बड़ा फिगर नहीं है ठीक है तो नीलेश गो अहेड 11 बार यस सर बारी बार ब्रेकआउट हो गया सर थैंक यू तो सर बैंक निफ्टी वही 35,936 लेवल जब तक ब्रेक करता नहीं है तो शॉर्ट नहीं करना है अभी जैसे रणविजय सर भी बोल रहे थे कि बाइंग में कंफर्टेबल नहीं उसका मतलब वो नहीं कि आपको शॉर्ट करना है बाइंग में कंफर्टेबल नहीं मत कीजिए लेकिन शॉर्ट मत कीजिए ऐसे मार्केट को जब तक ब्रेकडाउन मिलता नहीं तब तक मत शॉर्ट कीजिए एज ए ट्रेडर आई मीन हमको सिर्फ शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करना है कभी कभी ऐसे ही बैठना पड़ता है जैसे मैं ये वीक में स्ट्रैंगल्स बेच के गया हूँ तो शॉर्ट तो नहीं करूँगा जब तक बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आएगा निफ्टी में सर मैं निफ्टी इतना ट्रैक नहीं करता लेकिन फ्राइडे में 16,500 पे सर बहुत ओआई ऐड हुआ है पुट साइड में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तो 16,500 तो लगता है कि एक सपोर्ट मिलना चाहिए जब तक वहाँ का ओआई कम नहीं होता तब तक उसके नीचे आना शायद मुश्किल है इस वीक में सर मार्केट रिलेटेड बस एक दो मिनट का वक्त लूंगा सर अब बहुत सारे लोग हैं जो नए ट्रेडर या इन्वेस्टर होंगे तो मार्केट में भी एक चीज चल रहा है कि ये फेक रैली है ये है वो है सर मेरे हिसाब से रैली रैली होती है और जब मार्केट गिरता है तो वो गिरता है उसमें कोई फेक और कोई रियल नहीं होता तो ये चीज से आप लोग बचे कि ये फेक रैली है और ये रैली एज ए ट्रेडर आपको ऊपर भी पैसे कमाने का मौका मिलता है नीचे भी मिलता है और लास्ट वीक से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम गिर नहीं रहे लास्ट वीक भी एक सर बोल रहे थे कि टेस्ला 50% गिर गया है हम नहीं गिरे तो आई मीन अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो आपको हमेशा ऐसे लगे कि हम नहीं गिरे लेकिन अगर आप स्टॉक्स के बारे में बात कर तो बजाज फिनसर सर 19,000 वाला 11,000 आया था 8,000 वाला बजाज फिनेंस 5.5 आया था 6,000 वाला डीवीएस लैब 3,000 आया था तो हम भी गिरे हैं ऐसा नहीं कि हम नहीं गिरे हैं हमने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स लेवल पे किया रहेगा पर स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फुल बुलिश मोड में हूँ लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है ट्विटर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिसेशन है ये है वो है रिसेशन होता तो ऑटो इंडेक्स ने सबसे पहला ब्रेकआउट दिया वो नहीं होता फिर जैसे 2-3 महीने पहले सब कह रहे थे कि इन्फ्लेशन है FMCG गिर जाएगा पिट जाएगा उसके बाद FMCG ने रिकवर किया है आज आप 3 महीने पहले देखिए HUL कहा था और अभी कहा है 50-100 साल पुरानी कंपनी है थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करेगी पर ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगी तो ये सब चीज़ से आई मीन लोगों को बचना चाहिए अगर आप अब वैसे हाल अभी IT का है सर अगर आपको 1900 में इन्फोसिस अच्छा लग रहा था तो आपको 1500 में आग बंद करके उठाना चाहिए आपको 4000 में TCS अच्छा लग रहा था तो 3000 आया था 3200 आया था उसमें आपको आग बंद करके उठाना चाहिए तो कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेंगी तो वो आज नहीं तो कल बढ़ेंगी सर एज ए इन्वेस्टर आपको वो देखना है और इन्वेस्टर है आप तो आपको तो स्टॉक्स ट्रैक करने हैं आपके लेवल पे आते हैं आपको लगता है कि ये बहुत गिर गया है बस शायद उठेगा नहीं 2-3-6 महीने लेकिन अच्छे स्टॉक्स उठे और जो भी मैंने कंपनी का नाम लिया ऐसे नहीं कि कोई अलतू कंपनी है सर सब कैश रिच कंपनी है तो आई थिंक लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए ना कि ये फेक रैली है और हम यहाँ से 14,000 जाएंगे आ सकते हैं कोई बात नहीं आ सकते 12 भी आ सकते हैं पर और बहुत सारे लोग सर रेफरेंस वही देते हैं कि हम 7.5 से इधर आए हैं 7.5 आई थिंक वो 7.5 का लेवल अभी लोगों को भूल जाना चाहिए हम 7.5 से नहीं हम 12,000 से 16,000 आए हैं वो 12,000 से 7.5 जो गया था वो तो पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर गया था तो लोग हमेशा कहते हैं कि 7.5 से इधर आए हैं तो हम 12 तक तो आएंगे 11 तक तो आएंगे आ सकते हैं लेकिन वो 7.5 का लेवल हमको अभी भूल जाना चाहिए और जैसे अमित सर बोलते हैं कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है हमने कोविड के टाइम भी लो तब लगाया जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था अगर वो आप उस पैरामीटर पे जाओगे कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ है सब कुछ बंद है मैन्युफैक्चरिंग बंद है माल किसको बेचेंगे कौन बनाएगा लेकिन तो हम और गिरने चाहिए थे बस सर इतना ही कहना था थैंक्स विजय भाई आपको पर्सनल इन्विटेशन भेजूं घर पे इनविटेशन भेजूं नहीं नहीं वो मेरे को मैसेज आ चुका पर्सनल पे वो अभी थोड़ा कांग्रेचुलेशन विजय भाई ही वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर ओवर द वीकेंड सो ही इज अ बिट देयर ही जस्ट वांट्स टू बी डिस्टेंट थोड़े दिन बाद आएंगे सर ओके जगवीर को ले लेते हैं तब तक
जगवीर भाई आते नहीं ना, जगवीर भाई थोड़ा नाटक करते हैं। नहीं नहीं बना दिया उनको मैंने, उनको मैं 25 बार रिक्वेस्ट भेजा ना, तब जाके इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा, तो मतलब क्या करूं, कल से मैं ब्लॉक कर देता हूं भाई, मतलब इनविटेशन पर्सनल घर पे भेजा करूं। जगवीर गो प्लीज, ये थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए। अब वापस गायब हो गए जगवीर जी। अमित भाई, अरे क्या अमित भाई, मैं रिक्वेस्ट 25 मैं रिक्वेस्ट है ना घनश्याम भाई को भी भेजा, आपको भी भेजा, सबको भेजा। एक्चुअली मैंने जब देखा तो तुरंत ही एक्सेप्ट किया। एक्चुअली हर बार वो क्या मोबाइल के ऊपर नजर नहीं होती, वो अलग रखा होता है, तो मिस कर दिया होगा मैं बिल्कुल, अदरवाइज तुरंत ही एक्सेप्ट भी कर लूं, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं 11:30 बजे तक तो सो जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठना होता है इसलिए। सुबह हम भी जल्दी उठते हैं यार। कोई नहीं चलो रघुवीर भाई अपने व्यूज बताओ। बिल्कुल अपने दो लेवल थे, एक बैंड में चल रहा था अमित भाई, जो पिछली बार बात हुई थी कि 16,130 के ऊपर निकला तो 300-350 पॉइंट निफ्टी पागेगा, तो वो लेवल काट के वापस से ये 300-350 पॉइंट काट गया और उसके ऊपर भी 150 पॉइंट और निकल गया। तो अभी नेक्स्ट भी ये है कि 16,625 अगर यहाँ पे मिलता है कल अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल शॉर्ट करना है, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 16,868। और अगर कल गैप डाउन खुलता है और 16,640 ब्रेक करता है और 15 मिनट नीचे सस्टेन कर लेता है तो लोअर साइड का टारगेट होगा 16,270। यहाँ पर निफ्टी सस्टेन होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो जहाँ पे 16,800 या 750 के पास शॉर्ट होगा वो। सेकंड थिंग, अगर इसने दो सेशन में 16,250 नहीं तोड़ा तो वापस से ये इसी प्रकार की रैली आ सकती है, और जब अगर इसने नेक्स्ट व्यू की बात है, ये तो खत्म हो गया कि कहाँ शॉर्ट करना है, क्या स्टॉप लॉस है और क्या जा सकता है, और जब इसने 16,230 के नीचे क्लोज कर दिया तो वापस से जहां से इसने राइजिंग चालू किया था गैंग लेवल क्लोज करने के बाद 16,128 का 30 जो है वो, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस राइज के लिए, वो बेस रहेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तो ये अप ट्रेंड ही समझिए, ये सब्जेक्ट टू करेक्शन ही आएगा। जो रैली हुई है उसका 30-38% रिट्रेसमेंट की वजह से ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा निफ्टी, और 16,130 जब तक ब्रेक नहीं करता है तो बुलिश व्यू रहेगा। लेकिन ये जो बैंड है, इसने बैंड क्रॉस कर दिया, 15,750 से 16,130 का एक बैंड था, ये उसने क्रॉस कर दिया, और अभी जो सेकंड बैंड है उसका टॉप ऑलमोस्ट उसने टच कर दिया है, तो दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 16,800 से 825 से शॉर्ट होगा और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 16,640, और 16,640 के नीचे अगर 15 मिनट ट्रेड कर लेता है, टिक जाता है, तो 16,270 समथिंग ये टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी अगर कल अप खुलता है जो भी 100, 150, 200 व्हाटएवर, सिर्फ 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और वहां से 400 का डाउन टारगेट है, क्योंकि उसने गैंग लेवल का टाइम साइकिल लेवल टच कर दिया है फ्राइडे को, और कल अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 150 पॉइंट के एसएल से 400 का फॉल से शॉर्ट कर सकते हैं। पीयूसी बैंक में ऑलमोस्ट फ्राइडे को शॉर्ट डेवलप हुए हैं एज पर जो भी मैं डेटा देखता हूँ इसलिए, तो अगर फ्राइडे के हाई क्रॉस नहीं होते हैं तो पीयूसी बैंक 2-4% करेक्ट हो सकते हैं, तो उसको भी 1.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अपॉर्चुनिटी से शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू अमित भाई। तो हमारे एक डॉक्टर साहब आए हैं जो अमित सर, मेरा जस्ट एक छोटा क्वेश्चन था आपको, जो मैंने कहा कि 16,500 के पुट में फ्राइडे को ओआई अच्छा खासा ओआई ऐड हुआ है, तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन करेक्ट है क्या सर? हाँ, अभी 16,400 पकड़ रहा हूँ एक बार का, क्योंकि वो 100 पॉइंट पेज दे देने का, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी,
तो वो 16,500 क्या राउंड फिगर है ना, तो राउंड फिगर में कोई ना कोई उसको डिफेंड करने आएगा, वो मरेगा ना तो नीचे का डाउनसाइड जो जगवीर बोला ना 16,200 मुझे भी दिखता है यार। अगर वो नहीं तोड़ता है तो कोई इश्यू नहीं, अपने पास कोई इश्यू ही नहीं है तब। मैं 89 और 200 SMA यूज कर, सॉरी EMA यूज कर रहा हूँ, वो दोनों लेवल वहीं पे खड़े हैं, तो जब तक वो लेवल नहीं तोड़ता है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू EMA नॉट SMA। SMA निफ्टी का ऊपर है बट 200 EMA नीचे, तो EMA SMA दोनों में डिफरेंस है। इसके लिए मिली वही 16,400-16,500 मेजर लेवल है, तो राउंड फिगर में ना जनरली क्योंकि एक्सपायरी वीक आ गया और ये जुलाई का एक्सपायरी है तो ये भी कुछ ना कुछ तो कर देंगे यार। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कल सुबह जब नया फ्रेश डेटा बनेगा तब दिख के आएंगे उसको। ओके सर थैंक्स। या घनश्याम भाई प्लीज। अमित भाई जैसे अभी निफ्टी जनरली अपर बोलिंगर ब्रांड तोड़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, अभी 3 दिन से कंटिन्यूअसली ऊपर क्लोज हो रहा है अपर बोलिंगर ब्रांड के, कैसे इंटरप्रेट करें? घनश्याम भाई इसमें सिंपल होता है, बोलिंगर ब्रांड जैसे आप एक ड्रैगन का ड्रैगन समझ में आते हैं, ड्रैगन जो होता है उसका मुंह खुल जाता है। हाँ तो उसका मुंह खुल रहा है, आप उसको देखोगे ना ऊपर की तरह एक्सपैंड हो रहा है और नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हमें यही पकड़ना है क्योंकि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नॉर्मल यूज कर रहे, तो 2SD का मतलब हो गया कि हम 2SD में उसको जो पकड़ के जा रहे हैं वो 2SD ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो रही है। इसके लिए मुझे भी यहाँ फियरफुल लगता है, कोई जनरली निफ्टी जो करेक्ट होती है ना यहीं से करेक्ट होती है, वो RSI के लेवल भी वो चीज कंफर्म कर रहा है, बॉलिंजर भी कंफर्म कर रहा है, अब मार्केट नहीं गिर रहा तो जबरदस्ती तो मार्केट को अपन गिरा नहीं सकते, अपन ना FII है ना DII है ना अपने पास इतना पैसा है कि अपन खुद ही शॉर्ट करके हम बाजार को गिरा दे। तो 2SD का सिंपल मतलब है अगर वो बॉलिंजर एक्सपांड हो रहा है, उसमें एक चीज होती है कि वॉकिंग थ्रू द चैनल, अगर ये वॉकिंग थ्रू द चैनल आ गया ना तो हम 16,700 क्या 17,300 भी देख लेंगे, वो ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा। अगर ऐसा बैंड बन रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है, आपका सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस 1 या 2 दिन का कैंडल कर लो, थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा बट आपके पास कंफर्म रहेगा। डेली की बात करो, आर्ली की बात नहीं कर रहा, वो आर्ली में ना जाके कहीं ना कहीं साइडवेज मोड में चला जाता है। तो इसके लिए हम जब घनश्याम भाई आप भी उसी स्पेस में थे जब हम 16,300 से 16,400 से यही बोल रहे थे भैया कॉशियस होके लॉन्ग लेना, यहाँ पे अल्ट्रा बुलिश होके लॉन्ग मत लेना, ये जोन नहीं है। तो RSI भी वैसा ही है, RSI भी 72 पर है जो मैं RSI पकड़ता हूँ, तो RSI भी मेरे लिए ओवर वॉट है बट RSI है ओवर वॉट कितना भी रह सकती है। तो जो फैक्टर दिख रहा है और वो कंटिन्यू ऊपर बढ़ रही, जब तक उसमें कुछ रिवर्सल नहीं आता ना हम तब तक शॉर्ट का नहीं सोचेंगे, तब तक हम ना RSI के बेस पे ना बॉलिंजर बैंड के बेस पर, क्योंकि मूविंग एवरेज भी है ना जो इतने टाइम फ्लैट थी वो मूविंग एवरेजेस है ना वो ऊपर की तरफ एक्सपांड होना शुरू हो गए, मतलब उन्होंने भी अपना चैनल बदल लिया। तो ये थोड़े थोड़े पैटर्न है, मूविंग एवरेज इज लैगिंग इंडिकेटर एवरीबडी नोस अबाउट दैट, बट वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई, मतलब जो पहले फ्लैट थी या नीचे गिर रही थी उनका, क्योंकि आप 20 का पकड़ रहे हो 50 का पकड़ रहे हो, जो नीचे गिर रही थी ना उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर, मतलब एक सांप पकड़ लो, एक सांप नीचे की तरफ जा रहा था अभी सांप ने ऊपर की तरफ का कुछ खोल दिया तो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। तो मतलब जो ये ट्रेंड चल रहा है ना ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ये ट्रेंड वीक नहीं है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि 16,500 नीलेश ने बोला मैं उसमें 16,400 ऐड कर दिया कि भैया मैक्स ये पकड़ो, इसके नीचे जाएगा तो पक्का मैं भी ठोक के बैठूंगा। इनिशियल स्टॉप लॉस 16,700 जो भी कल का टॉप बनेगा मैं भी उसका स्टॉप लॉस लेके एक बार बैठूंगा, ट्रेड फेवर में जाएगा तो सीधा स्टॉप लॉस नीचे कर देंगे ना अपन, सीधा 16,500 कर देंगे, क्योंकि ट्रेड में एंट्री लेने के लिए मुझे स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर साहब रिलायंस का रिजल्ट। हाँ सर, जो 20 जुलाई का जो हाई था अब तक उसको क्रॉस नहीं किया 2540। आवाज कट रहा है आपका, अभी आ रहा है सर? आ रहा है पर कट के आ रहा है। अभी ठीक है नीलेश जी, आप अपने आप को म्यूट करेंगे। डॉक्टर साहब गो अहेड, जाओ इशू लगेगा 2540 ऊपर का लेवल और 2470 नीचे का।
जो जैसा तोड़ेगा वैसा ट्रेड लेंगे, 2540 तोड़ा तो बाय, 2457 तोड़ा तो से। डॉक्टर साहब आपका कोई लेवल नहीं समझ में आया क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इतना आवाज है प्लस कहीं ना कहीं नेटवर्क का इश्यू रहेगा, इसके लिए आपका कुछ नहीं सुनाई दे रहा प्रॉपरली। सर मैं स्टेशन पे हूँ, अगर जैसे थोड़ा आता है तो मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। सो इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन सेंड अ रिक्वेस्ट, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। मैंने हमारे जो सबसे बड़े डॉक्टर साहब होते, मतलब वो वैसे डॉक्टर नहीं, वैसे डॉक्टर है, तो इन्होंने आज बिट्स पे कुछ डाला था। अब वोलेटिलिटी इनसे ज्यादा कोई बेटर नहीं पकड़ता है, तो डॉक्टर साहब बैंडर रिक्वेस्ट भेजूं कि ऐसे ही आ जाओगे? वो आ जाएंगे पक्का। आपने कुछ डाला है तो मुझे पता है, आपने कुछ सोच के डाला है वो चीज। डॉक्टर साहब सेंडिंग यू रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज एक्सेप्ट दैट। आपने कुछ डाला है ना? कौन सी की बात कर रहा है भाई? वो वॉलेटिलिटी वॉल ऑफ वॉल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे? आपने विक्स पे कुछ डाला था। हाँ, तो विक्स हम समझते हैं इट्स अ मेजर ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, कि मार्केट के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, मार्केट की प्राइस डेली प्राइस चेंज का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है, ये आपको विक्स जो है एक एस्टिमेट देता है, या आगे अगले 30 दिनों में उसकी वॉलेटिलिटी कैसे होने वाली है उसका एस्टिमेट देता है। अगर हम मार्केट के वॉलेटिलिटी का भी वॉलेटिलिटी मेजर करें तो दैट गिव्स यू सम अदर एस्टिमेट ऑफ हाउ अनसर्टेन the market participants are. तो at the moment ये जो volatility of volatility है it is the lowest that we have seen in the last 3 years. इस level तक 2019 में आए थे हम. So that was just the tweet. अभी यहाँ से क्या होगा किसी को पता नहीं है. I don't know what is going to happen. But I just as a, it was interesting that last 3 साल में we are at the lowest level of the volatility of volatility. So, Dr. Saab, if volatility say subsidized to 15 level or it goes again back above say 18 or 20 level, to matlab wapas wohi upar niche wala game shuru ho jayega. So, wall of wall ka itna low hone ka matlab ye hai ki the movement in volatility has died down. तो पीपल आर द मार्केट इज रिलैक्स्ड. मैं पिछले 2-3 हफ्ते से आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट इज सीम्स टू बी वेरी रिलैक्स्ड और मार्केट इज नॉट प्राइसिंग एनी मेजर शॉक्स और एनीथिंग राइट नाउ, और उसकी वजह से द वॉलेटिलिटी इटसेल्फ हैज डाइड डाउन. सो इट्स स्लोली फॉलिंग. 20 का 19 हुआ, 19 का 18 हुआ, 18 का 17 हुआ, 17 का 16 हुआ, और आप अगर जुलाई मंथली और अगस्त का आप अगर एट द मनी ऑप्शंस की आईवी देखेंगे दे आर ऑलमोस्ट इवन क्लोज टू 14. और अगर आप रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी एक्चुअल मार्केट की वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो 12 के आसपास है ऑलरेडी. तो दिस इज टेलिंग यू दैट द मार्केट इज जस्ट क्वाइट रिलैक्स्ड राइट नाउ. मे बी इट इज अंडर प्राइसिंग द रिस्क, हु नोज, दैट ओनली द टाइम विल टेल. Maybe there is some big risk that is out there which market is not able to price currently. But right now, the outlook seems that there's no major shocks that can happen. So until a major shock happens, I think it's going to keep slowly just relaxing downwards. So, Dr. Saab, yeah, option khareedne ke ya bechne ke? जब वॉलेटिलिटी रिलैक्स होती है देन ऑब्वियसली इट्स
वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू सेल ऑप्शंस। अगर आपका रियलाइज वोलेटिलिटी 12 का है और आपको आईवी 15 मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली बेचोगे राइट उस टाइम पर, बिकॉज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी इज व्हाट यू सेल, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी इज व्हाट द मार्केट गिव्स यू। तो अगर आरवी रियलाइज्ड वोलेटिलिटी 12-13 की चल रही है और आपको आईवी 15 का मिल रहा है तो दैट इज अ बिग प्रीमियम। भैया ऐसा लेसन है ना सिर्फ डॉक्टर साहब समझा सकते हैं 2 मिनट के अंदर में, जो आप मुझे भी जो सीखने को मिलता है मैं डॉक्टर साहब को भी इनवाइट करता हूँ कि ये आके ना जो 2 मिनट में ज्ञान देते हैं ना 2 मिनट में, वो आप कितनी बुक पढ़ लोगे ना, क्योंकि इन्होंने इतनी बुक पढ़ ली, हम क्यों दिमाग लगाए, डॉक्टर साहब ने दिमाग लगा दिया ना। सो दैट इज वाई यू नीड टू लिसन टू दिस गाय व्हेन ही सेज समथिंग। हम ये ट्वीट भी पढ़ते हैं ना तो उस ट्वीट का क्वेश्चन पूछते हैं इनको, वो ट्वीट पे नहीं पूछते, स्पेस पे पूछ लेंगे, वहां पे कुछ भी जवाब दे देंगे, पॉलिटिकली जवाब दे देंगे। यहाँ तो हम पब्लिक है ना तो हम पूछ सकते हैं, हमारा हक बनता है इनको पूछने का। यार एंड मुझे यू हैव सम क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। सर वो दूसरा ट्वीट जो हैशटैग टेल रिस्क के साथ वाला आपका, इज इट गोइंग टू पे इटसेल्फ? आई थिंक आपने 16750 के बीच में करके एसडी बैंड जो बना रखे दोनों साइड का, उसके बारे में नहीं ज्यादा बता सकता। सर आज का आपका ट्वीट था 442 के टाइम में, इज दिस गोइंग टू पे इट पे फॉर सर, मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हैं आप, उसके बारे में वो एक्चुअल ट्रेड है तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता है। ओके सर सो और जो उसमें विक्स में आप अपना एसडी कैलकुलेट कर रहे थे ना एसडी और वो वो जो एसडी कैलकुलेशन है वो हमारा नहीं है, वो अगर आप सेंसिबल में जाओगे ना सेंसिबल में पे ऑफ क्रिएट करोगे तो और किसी में नहीं दिखेगा यूजुअली अपने को वो। हां वो हां एक्जेक्टली। ओके थैंक यू। सो प्रदीप इज ओवर, या प्रदीप प्लीज गो अहेड और योर व्यूज अबाउट मार्केट। सर व्यू नहीं है, मेरा क्वेश्चन है, मैं जस्ट आई एम ए बिगिनर। सर ये यूएस फेड कितना मार्केट को अफेक्ट करेगा, मतलब और कहीं जिस तरीके से रैली आई है तो क्या ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑपरेटर के द्वारा ऊपर ले जाके वापस नीचे गिराने के लिए इसको ले जाया गया हो, तो इस पे मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ निफ्टी के लिए। निफ्टी का मार्केट कैप क्या आपको पता है, ये रिलायंस का मार्केट कैप क्या है? मतलब एक रिलायंस को हम लोग नहीं घुमा सकते, तो मार्केट तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो रिलायंस को घुमाने के लिए LIC की जरूरत पड़ेगी या कोई FII की जरूरत पड़ेगी उन्हें समझ सके। तो जो हमें नहीं पता है कि भैया ऑपरेटर क्या करेगा नहीं करेगा, जब हम स्पेसिफिकली निफ्टी चलो बैंक निफ्टी छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी स्क्यूड इंडेक्स है, निफ्टी को मैनेज करने के लिए इतना पैसा चाहिए ना, तो निफ्टी मैनेज करने वाली चीज नहीं है। आप चलो आपने काम किया रिलायंस और बैंक निफ्टी कर दिया, कोई सामने IT ठोक के बैठ गया, कोई सामने ऑटो ठोक के बैठ गया, कोई सामने कुछ और करके बैठ गया, दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे। तो ये सारी चीजें ना बेकार की चीज होती है कि निफ्टी को कोई ऑपरेट कर सकता है, बैंक निफ्टी को पक्का कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी में 12 ही कंपोनेंट है, तो 12 कंपोनेंट में से भी जो वेटेज है 90% जो वेटेज है वो टॉप 6 स्टॉक्स का है, वो मैनेज किया जा सकता है। आपको लगता है कि निफ्टी को कोई मैनेज कर लेगा जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेक है, वो मैनेज किया जा सकता है? अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने आएगा कि नहीं आएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाने, मुकेश भाई आ जाएंगे वो कर सकते हैं, इंफोसिस आ जाएगा वो कर सकता है। तो ये सारी है ना जो अपन मिथ सुनते हैं ना कि निफ्टी को क्यों मैनेज कर रहा है, तो निफ्टी कब मैनेज हो जाएगी, लास्ट के 1 घंटे में है ना, वो जब अपना एक्सपायरी का डे होगा ना उसमें शायद कोई कुछ मैनेज करके अपना पोजिशन बना लेगा, बट वो भी कोई गारंटी नहीं कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सारे मिथ्स है ना दिमाग से निकाल दो। हाँ पक्का स्मॉल कैप रहेगा, मिड कैप रहेगा, जिनका मार्केट कैप कम रहेगा, जो पूरा कॉर्नर्ड रहेगा वहां पक्का मैनिपुलेशन हो सकता है, बट आपको लगता है कि निफ्टी में मैनिपुलेशन हो जाएगा,
दैट इज मतलब जितना मुझे नॉलेज है या डॉक्टर साहब को नॉलेज मुझसे ज्यादा रहेगा या अमित भाई, कोई नहीं ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की कि निफ्टी को कोई हिला सकता है. नो आई डोंट नो एनीबॉडी. मैं इतने लोगों से, इतने प्रॉप ट्रेडर्स से, इतने प्रॉप डेस्क से बात करता हूँ. नोबडी ट्राइज टू डू दिस. नोबडी ट्राइज टू मूव द निफ्टी. नोबडी. सर प्रदीप जी, आपको ना सिर्फ एक दो सिंपल सी बातें मैं बोलता हूँ आपको. बेसिकली क्या होता है, एक स्टॉक होता है और एक इंडेक्स होता है. सो स्टॉक पे आपको थोड़ा बाद में बताएंगे, लेकिन एक इंडेक्स पे आप एक बात समझिए. व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स इज मिक्स्ड ऑफ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड इट इज एवरेजिंग ऑफ फ्यू थिंग्स. पहली बात, इवन आप अगर स्टॉक हो या इंडेक्स हो, आप जो आप कहते हैं, अगर कोई भी कहते हैं मैनेज या नॉन मैनेज, सी टर्म्स आर वेरी मिसगिविंग काइंड ऑफ अ थिंग दीज टर्म्स. बिकॉज क्या होता है कि आप मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पैसा है या बहुत लोग हैं मेरे साथ में, हम सोचेंगे चलो हम गिरा देते हैं. लेकिन अपोजिट फोर्स भी तो कोई होगा ना, जिसको थोड़ा सा नीचे आने पे ये लगेगा कि भाई नाउ इट इज़ एट अ फेयर प्राइस या एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. जब हम कोई फंडामेंटली क्या कहते हैं, हम स्टॉक्स क्यों लेते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा है, ये डिस्काउंट में मिल रहा है तो चलो यहाँ पे ले लो, या ऊपर बेचते हैं इसलिए फंडामेंटली जो लोग कहते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा ऊपर स्ट्रेस्ड है तो यहाँ पे हम भेज देते हैं, थोड़ा फेयर वैल्यू पे आएगा तो दोबारा सोच लेंगे इसको लेने की. सो ऐसा नहीं होता है कोई. सेकेंडली सर, एक ना बहुत बड़ा मिसनॉमर लोगों में जो होता है कि ना, जब वो सिर्फ ये देखते हैं कि FII ने बाइंग किया, DII ने सेल किया, या DII ने बाई किया, FII ने सेल किया सर, और या क्लाइंट ने या रिटेलर ने. सर कोई एक बंदा नहीं है ना सर, वो या कोई जो FII बाय कर रहे हैं या जो आप फाइनल फिगर देखते हैं, वो किसी चीज़ का प्लस और माइनस है. और वो जो प्लस है वो बहुत सारे लोगों को मिलके बना हुआ है, और जो माइनस है वो बहुत सारे लोगों को मिलके बना हुआ है. सो इट इज़ नॉट अ कलेक्टिव थिंकिंग कि वो सारे बैठ के, ये कोई कबाल सिस्टम नहीं होता सर कहीं पे भी, कि कोई आता है सोचता है रात को मीटिंग करता है कि बॉस हम लोग सारे आज बेचेंगे या आज खरीदेंगे. देर आर पीपल लाइक यू एंड मी ओनली, एवरीबडी. बड़े से बड़े जो FII होंगे या DII होंगे, वहाँ पे भी कोई ह्यूमन होगा या फिर एक ह्यूमन डेवलप्ड AI बेस्ड सिस्टम होगा. सो इट इज़ अगेन कम्स टू कि भाई कोई इंडिविजुअल में नहीं है कि भाई एक बंदा हिला सकता है, कर सकता है. FII सारे सेम नहीं सोचते, DII सारे सेम नहीं सोचते, जैसे रिटेलर सारे सेम नहीं सोचते. जब हम घर में परिवार में सारे एक जैसा नहीं सोच सकते, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि एक क्लास ऑफ पीपल विल थिंक लाइक दैट. ठीक है, क्योंकि अगर और उस केस में तो क्या होगा कि फिर अगर वो सारे. हाँ सर, आप बोल रहे थे. मैं कंक्लूड कर देता हूँ उसको. भैया निफ्टी को मैनेज करने के लिए ना, या तो बस इतना पैसा हो, आप जेफ बेजोस के कोई पड़ोसी हो और जेफ बेजोस आपको पूरा पैसा दे दे तो आप कर सकते हो, या आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है इलॉन मस्क तो आप शायद थोड़ा मैनेज कर सकते हो, या LIC में अपने ससुर जी या पिताजी चेयरमैन है तो हम शायद कर सकते हैं. वरना निफ्टी को मैनेज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कोई भी आके बोल देगा ना कि निफ्टी को मैनिपुलेट कर दिया. कब होगा ये कि जिस दिन फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लोबल मार्केट में ऐसी चीज हो गई, ग्लोबल मार्केट में या पॉलिटिकल में ऐसी चीज हो गई कि जिस दिन वो रिएक्शन देने वाला है वो सुबह सुबह सौदा मार देंगे, वो सुबह मार्केट करके ही सौदा मारेंगे. उसके अलावा है ना, रोज का निफ्टी मैनिपुलेट करना इज नॉट ईजी थिंग. रोज का निफ्टी सर वो भी मैनिपुलेशन नहीं कहलाएगा, वो उनका व्यू है, मैनिपुलेशन नहीं है वो. अरे मैं मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ. तो ये सारी चीजें ना निफ्टी के लिए अगर छोड़ दे, बैंक निफ्टी पक्का कोई कर सकता है, और बाकी तो कोई इंडेक्स है ही नहीं जो फ्यूचर में हो कि जिसको भी मैनेज करके पैसा कमा ले. स्मॉल कैप मिड कैप मैं पक्का बोलता हूँ होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं होते, सब होते हैं मैनेज. हो तो उनका मार्केट कैप इतना होता है पहले से, मार्केट से साइड में रखा होता है उन्होंने, ये कर लिया, ये कॉर्नर कर दिया, पूरा कॉर्नर मार्केट चलता है, फिर जो मर्जी कर ले. तो हम निफ्टी की बात करेंगे ना स्पेसिफिकली, निफ्टी को मैनेज करना इतना इजी चीज नहीं है. अगर RJ साहब भी आ जाए ना, RJ साहब भी आ जाए तो खुद नहीं कर सकते, बाकी कोई कुछ भी बोल देगा वो अलग चीज है, कोई मैनेज नहीं कर सकता. सो इफ यू हैव एनी लास्ट फ्यू क्वेश्चंस वी'ल टेक इट, अदरवाइज वी'ल एंड द सेशन. थैंक यू सर. थैंक यू. जिसका क्वेश्चन है प्लीज.
यस, किसी का क्वेश्चन है तो भेज देना, मैं घनश्याम भाई या रणविजय कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मैंने एक वो भी रचित को किया है, उन्होंने फोटो लगा दी है, तो मैंने कहा बाकी कोई और रिक्वेस्ट अभी लेंगे नहीं, सो इफ ही कनेक्ट्स इन नेक्स्ट 1 मिनट, अदरवाइज हां यू कैन कंक्लूड एंड फ्यू पीपल आई विल बी ग्रेटफुल इफ आप अपना पिक्चर्स एंड नेम क्लियर करें। रचित, आस्क योर क्वेश्चन और गिव योर व्यूज फास्ट प्लीज। सर माय क्वेश्चन इज दैट ये मार्केट पे जो व्यू है आपका, इसमें एक बात करनी है कि जैसे अभी मैंने देखा था कि मेरे चार्ट्स के अंदर में आईसीआईसी बैंक में ब्रेकआउट आया है एंड बैंक निफ्टी भी बहुत अपने वीकली जो रेजिस्टेंस, जिसको मैं इन माय सिस्टम अकॉर्डिंग टू व्हाट आई कॉल एज रेजिस्टेंस, उसके बहुत नजदीक खड़ा है एंड इफ इट क्रॉसेस दैट लेवल इज 37,450, आई हैव सीन दैट इट शुड क्रिएट न्यू हाई वेरी सून और इट शुड टेस्ट इट्स प्रीवियस हाई वेरी सून। सो ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि जनरली मार्केट बुलिश ट्रेजेक्ट्री में जा रही है, क्योंकि बड़े स्टॉक्स जो मार्केट को चलाते हैं वो तेजी में आ रहे हैं और इंडेक्सेस भी उनके उनसे तेजी में ही जा रहे हैं, लेकिन हमारा फंडामेंटल जो करते हैं लोग, वो लोग मार्केट कैप टू जीडीपी और ये सब नंबर्स बहुत देख रहे हैं और वो 100% से ऊपर चल रहा है हमारा। इस पे आपका कुछ व्यू है क्या कि आई फॉलो चार्ट्स बट हाउ मच इज द चांस दैट वी मे मी फे क्वेश्चन आफ्टर आईसीआईसी बैंक, क्योंकि मुझे फोन आ गया था, आई कुडंट हियर योर क्वेश्चन, इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। राइट राइट सर। सर मैं ये कह रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे सिस्टम के अंदर में ब्रेकआउट दिया है, ये वीकली सिस्टम्स फॉलो करता हूँ मैं एंड उसके मेरे लिए जो बैंक निफ्टी भी जो है वो मैं ऐसा मानूंगा कि वो अपना पुराना हाई 42,179 जो उसने क्रिएट किया था, अगर वो 37,450 के ऊपर में वीकली क्लोजिंग कर देता है तो वो लेवल आना चाहिए हमारा। और आईसीआईसीआई बैंक से मुझे पहला सिग्नल ऐसा मिल रहा है कि अगर ये बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी को भी ये लेके जाएगा ऊपर में, तो अगर ये दोनों तेजी में आ जाएंगे तो इवेंचुअली निफ्टी भी तेजी में आ ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और वो लेवल है मेरे लिए 17,340 का, कि वो लेवल क्रॉस होएगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर क्लोज आएगा तो हम प्रीवियस हाई निकाल के और या प्रीवियस हाई को टेस्ट भी करेंगे और फिर से तोड़ भी देंगे उसको। रचित, इस व्यू के लिए आपका एसएल क्या है? सर इस व्यू के लिए जो मेरा एसएल है, मतलब सर मैं तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक एसएल या आपका आपका आईसीआईसीआई का एसएल क्या है फिर, अगर इफ यू से टुमारो इट इज लॉन्ग, राइट? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ व्हाट वी डू हियर, राइट राइट सर, आई एम टेलिंग यू इफ समबडी इज सेइंग इन अ यू नो प्रॉपर वे, राइट राइट यू नो बिकॉज़ पीपल आर लिसनिंग, सो एनी व्यू वी सजेस्ट वी जनरली गिव अ stop loss. Absolutely. We probably might not give a target or say you can keep on trading, but initial SL we always give. So if somebody is following anybody's views, he should get it. So ICICI Bank, I can understand you say it is long. What is yeah. the SL for that? Yes, sir. So first of all, sir, my view is my views are based on the weekly charts. Therefore, my SL are also from those charts. And my initial SL for when I'll be taking trade tomorrow will be 667 rupees on a weekly closing basis. If ICICI Bank, I will keep on moving this SL on a weekly closing basis, first of all. But I will take my trading quantity based on this 667 rupees SL. And if ICICI Bank closes below this level for now 667 rupees, then I will exit the stock. This is my initial SL that based on which I decide my trading quantity. Right. So this is the view. And so bas sir yehi bolna tha ki iske upar main aapka kuch kehna hai. Aur sir ek fundamental question aur hai, aakhri question bas. Rachit, ek minute. Abhi aise kitna chal raha hai? 800. Sir abhi 800 rupees yeah. और आप स्टॉप लॉस बोल रहे हो? 134 रुपीस का स्टॉप लॉस बता रहा हूं, 16%। हां 16% भैया रचित, मैं सिंपल बोलता हूं, ऐसा स्टॉप लॉस रखें मार्केट में काम मत करना, फ्रेंडली स्पीकिंग। मतलब 100 शेयर भी लोगे ना, 100 शेयर भी लोगे तो आप सोच लो आपका मनी मैनेजमेंट कहां गया, आपका मनी मैनेजमेंट का पार्टी कहां गया मार्केट में। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप ये बोलो कि मुझे 10 साल इन्वेस्ट करना आईसीआईसीआई में, तो भूल जाओ स्टॉप लॉस। आप आईसीआईसी बैंक में हर महीने एसआईपी के थ्रू पैसा डालो। ये है ना, ये चीजें ना करो, ये चीजें करोगे ना
मार्केट में कभी पैसा नहीं बनाओगे, वो सर, एक हफ्ता, वो एक हफ्ता लगेगा, वो मार्केट शॉर्ट कभी भी ट्रिगर कर देगा, वो 6 महीना लग जाएगा वापस पैसा रिकवर करने में। तो हमारा वो माइंडसेट कैसा हो जाएगा, रिवेंज का माइंडसेट, वो मत करके हो जाए, मैं सिंपल बोलता हूँ। नहीं सर, सर वो मतलब दैट थिंग आई हैव टेकन केयर ऑफ, बिकॉज ऑल दिस इज बैक टेस्टेड एंड ऑल, मतलब वो उसकी चिंता नहीं है मुझे, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ अभी एक तो ये वाला है, इसका रिजल्ट और बोलते हाँ, आपका बैक टेस्ट का रिजल्ट क्या बोलते हैं? सर मेरा बैक टेस्ट का रिजल्ट 25 साल का डेटा है, एंड मतलब 25 साल के डेटा में आई एम सीइंग दैट आई एम फेयरली एबल टू बीट द मार्केट्स, मतलब जितना निफ्टी अगर 25 इयर्स में 25 टाइम्स हुआ है 1996 से अभी तक का कुछ रफली वो फिगर है, माय सिस्टम हैज गॉन अप 200 to 250x इन दैट माय सिस्टम इज सीइंग। सो छोड़ो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हु इज गॉन अप, बट पहला तो हाँ, देन यू डोंट नीड टू आंसर, सॉरी यू डोंट नीड टू आस्क अ क्वेश्चन टू अस, क्योंकि अगर आपने बैक टेस्ट कर लिया है सिस्टम, अगर आपका सिस्टम 20 की जगह 8x उसका और ज्यादा रिटर्न दे रहा है, सो प्रोबब्ली नन ऑफ अस वुड बी फॉलोइंग दैट सिस्टम, सो प्रोबब्ली नन ऑफ अस आर केपेबल इनफ टू आंसर योर क्वेश्चन। नो सर, आई मीन यू ऑल आर केपेबल पीपल, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग लाइक दैट, मतलब आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग योर व्यू। आई विल जस्ट से रजत, व्हाट वी आर, वी मेंट इज कि नन ऑफ अस कीप would be suggesting such a big SL. So if you are suggesting such a big SL and you do trade like that, we can't actually, we are not the right guys to probably answer any of your queries, and you know that is what just we all meant. It is not that it will not work or it will work. We can't even comment on that actually. See, right. Because if your system is we don't follow or understand those systems, then it is hard for us to even comment on it, or rather we should not comment on it, you know, that is the only concern. So because 16-17% of SL we don't usually follow in trading, especially probably trading in terms that 6-7 months trading, but that is a positional trade, that is part kind of investment also, and the SL you are giving is basically what you are saying is I think June low or May low, that is the SL you are giving. So if this is the SL we would have taken for, see, we are not saying that ICICI is not bullish, or if that Bank Nifty is not bullish, or it can't be bullish. The thing what we meant here was, it can probably go 15% down and then jump up. Surely it can. Definitely it can. Anything can happen. These are markets. Sorry, they have fluctuations. Surely anything is possible. Nobody can deny anything here. But for that, a lot of other things will be moving around that also. That is our concern. So based on a 16% SL in ICICI, we would not be commenting on Bank Nifty or anything. But since it is your trading system, you have backtested it, we are nobody to comment or question that system. Happy for you if things work, and I think they work. So good for you. Great. Thank you. Sir, one small question, or for fundamental people, like I was reading that TCS has an attrition of 20% and they have an employee size of 6 lakhs. So that means that 1.2 lakh people have gone out of the company, and they are saying that they will hire 40,000 people. That means that net-net, the company is losing 80,000 people for this year. So should I assume that the overall company size is basically reducing this year? And in my view, this is not a great sign. So a small little, just a question for fundamental, if they have some view on this. Rachit, kaise ho? Attrition ka matlab kya hai? What do you do actually, if I may ask? Sir, I work for a pharmaceutical forecasting company, and I'm in I'm also in management consulting job. So yeah, so then you since you are in consulting like me, you will know that lot of IT companies have to keep lot of bench strength also.
so that sorry, some projects come and go. So this high iteration doesn't mean that they will be hiring less or more. They might, you can take it in a two way also, that they might hire 40,000 more than what they will be losing, you know. So you can ask these questions in their con calls rather than asking any fundamental guy, or you can ask somebody who has asked this question to them, because again, TCS themselves can answer this question better than any of us or any other fundamental guy, because they can't make a decision based on how many they will hire or not hire. But interpreting the data in a wrong way, or have you noticed what has been TCS iteration usually mean? So deviation from their, how much is the deviation from their usual average iteration, or what is the average iteration rate in the top 5 IT companies? See, these questions will be based on that. Whatever answer we will be giving here will be not based on data. So we rather decline to answer that. I think we have taken up whatever you wanted to give. Sir, aap, I think finish kar sakte hain. जो छोड़ के गया वो चले गया परमानेंटली, उसकी जगह नया भर्ती नहीं हुआ है। तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में हो तो आप एचआर के साथ में कभी ये डिस्कस करो एट्रिशन के बारे में, वहां से आपको और ज्यादा, मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा इनसाइट मिलेगा वहां से आपको। ठीक है रचित, डोंट टेक इट अदरवाइज। साउंड्स गुड सर, थैंक यू सो मच। सो सिंपल है भाई, सो इफ आई एम एंडिंग कंक्लूजन दिस सेशन, 16,400 डजंट गेट्स ब्रोकन, मार्केट इज बुलिश, 36,000 राउंड अबाउट फिगर, 100-200 पॉइंट्स प्लस माइनस, Bank Nifty is bullish. But be cautious to take a long position at these times also. So dip ka wait karna, khareedne ke liye. Kal ho sakta option na mile khareedne ka. And I'm expecting market to be sideways for few days altogether. Kyunki expiry hai, monthly expiry hai. Kuch bhi hoga, to kal subah kya khulta hai? Apna wohi, pehle 5-10 minute dekho, uske baad uska trade lena. क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने कुछ रिवर्सल का छोटा सा साइन दिया है, कंफर्म नहीं हुआ है वो, जब तक थर्सडे फ्राइडे का कैंडल लो नहीं ब्रेक करते स्मॉल कैप और मिड कैप, तब तक उसमें कोई पंचायत नहीं करनी, मतलब तब तक वो बुलिश ही है। डिप देंगे, उसके बाद अगर वो तोड़ देता है तो शायद हो सकता है मार्केट एक शॉर्ट टर्म का टॉप बना दिए। अब ये यहाँ से वापस 15,200 जाएगा या 18,600 जाएगा मुझे नहीं पता, मिली कंफर्मेशन कब आएगा कि अगर मंथली क्लोज पिछला मंथली जो क्लोज था उसके ऊपर आया, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इन सब के ऊपर क्लोज आता है, मंथली कैंडल भी इनके ऊपर का हाई देता है क्योंकि मंथली कैंडल ने लो नहीं बनाया है, नया मंथली कैंडल ने नया क्लोज नया लो नहीं बनाया सॉरी, अब उसकी उम्मीद भी कम है कि नेक्स्ट 5-6 दिन में कुछ नया लो बनाएगा, ऐसा कम है उम्मीद बनाने को। कल सुबह 1500-200 तोड़ दे वो मेरे हाथ में नहीं, ना मुझे पता है कल सुबह आके कुछ न्यूक्लियर हो जाए, चाइना ताइवान पर अटैक कर दे, चाइना इंडिया पर अटैक कर दे, जो हमें नहीं पता हमें नहीं पता। तो जो अननोन चीजें जो हमें नहीं पता है, हम तो नॉर्मल चीजें जाके सोच रहे हैं कि कल सुबह मार्केट में क्या हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द नॉर्मल सिनेरियोस व्हाट वी फील इज कि यहां से कॉशियस हम 16,300-16,400 से कॉशियस व्यू दे रहे हैं कि भैया एग्रेसिव बाइंग मत करना यहाँ से, आपका अगर बाइंग है उसको ट्रेल करते चलो, आप ट्रेल स्टॉप लॉस करते चलो तो ठीक है। देखो टॉप पकड़ना मेरा काम नहीं, बॉटम पकड़ना मेरा काम नहीं, हमने बॉटम नहीं पकड़ा, हमने बॉटम पे ये डिस्कस किया था कि भैया ऐसे मार्केट बॉटम हो सकता कि नहीं हो सकता, वहां से गलती से मार्केट ने बॉटम डाल दिया और 1200-1300 पॉइंट जो भी दिए दे दिए, सेम टाइम टॉप पर भी। अब हम टॉप कहाँ बनेगा, 16,800 बनेगा, 17,000 बनेगा, 17,300 बनेगा,
हम में से किसी को नहीं पता कल्लंस के रिजल्ट पे मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, कोटक के रिजल्ट पे क्या रिएक्ट करेगा, इन्फोवे रिजल्ट पे क्या रिएक्ट करेगा, हमें नहीं पता। बट जो पॉजिटिव चीजें हैं वापस उस पर आ जाते हैं, क्रूड नीचे आ रहा है जो आपको 500 बार इस रेंज में बोला गया, 90-95 के नीचे 90 क्रूड का लेवल हो गया, 95 हो गया आपका ब्रेंट का लेवल, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। आपका DXY इंडेक्स 109 से 106 आ गया, पॉजिटिव इंडिकेटर है। आपके पास है 10 इयर्स ट्रेजरी 3.5 से 2.75 आ गया, ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो ये पॉजिटिव साइन पकड़ के चलेंगे तो यहाँ से लगता है कि मार्केट का जो डिप आएगा ना वो इज अ वर्थ बाय। कमिंग बैक टू डेरिवेटिव डेटा, आप डेरिवेटिव डेटा जाके चेक करोगे, जब हम बोलते थे 1,40,000 FII कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, 1,40,000 या 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट अपना क्लाइंट लॉन्ग है, वो FII पोजीशन घटा रहा है क्योंकि वो फंस गया नीचे के शॉर्ट में, उसको लगा कि बाजार 10,000 आ जाएगा 12,000 आ जाएगा जैसा सबको लगता है, वो मार्केट ने तो वहीं से पलटी मार दी। अब मार्केट ने पलटी मार दी तो उनका पैसा घुस गया, और जब इसको सबसे मूर्ख पकड़ते हैं अपन लोग क्लाइंट कैटेगरी, भाई पैसा उसी ने बनाया, मैं डेटा के साथ प्रूफ कर सकता हूँ, बिना डेटा के मुझसे कोई बात करेगा ना मेरे लिए सब बेकार होती है, डेटा ला के बात करूँ। तो डेटा बोलता है कि भैया आज क्लाइंट भी पोजीशन कम कर रहा है, टाइम जो 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट था ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया, तो उसने पूरा पोजीशन खत्म कर दिया, क्यों कर दिया, उसको भी लग रहा भाई हो गया जो कार्यक्रम होना था, मतलब जो प्रोग्राम होना था बुलिशनेस का एक बार का हो गया, वो कहीं कॉल खरीदेगा कहीं पुट खरीदेगा जो मर्जी करेगा। मतलब अभी मार्केट है ना बहुत बड़ा लेवरेज पोजीशंस में है, मार्केट बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन व्यू में नहीं है, तो ना FIA डायरेक्शन व्यू में ना क्लाइंट कैटेगरी डायरेक्शन व्यू में, जब दोनों डायरेक्शन व्यू में नहीं है तो हम क्यों डायरेक्शन पकड़ के बैठेंगे। हमारे थोड़ी लिखा है कि भैया हमें रोज जाके ट्रेड करना है, रोज सुबह जाके ट्रेड करना है, तो हमें क्यों रोज ट्रेड करना है, जिस दिन मौका मिलेगा जिस दिन डेटा कुछ बनेगा नेक्स्ट, वो डेटा रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगता है, वो डेटा एक दिन में आपको आके नहीं सजेस्ट करता क्या करना क्या नहीं करना, वो डेटा आपको धीमे धीमे समझाता है कि यहाँ पर ये पोजीशन बनी है, ये फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है, अब दोनों में से कौन गिरेगा हमें नहीं पता, ये कॉइन टॉस कर लो यार, हेड्स तू जीता टेल्स में आ रहा, वैसा कंडीशन हो गया। तो इस मार्केट में जब डेटा पढ़ने जाते हैं ना तो लास्ट में वही चीज कंसिडर करते कि अभी कौन काटना शुरू हुआ, जब हम नीचे से बोल रहे थे कि 140 का 125 कर दिया, 120 का 80 कर दिया, 80 का 50 कर दिया, फंसा हुआ कौन था, FII था। इतना तो थोड़ा डेटा पढ़ लो, फ्री में डेटा मिलता है, सब कुछ बता देते, फिर भी पैसा नहीं कमा सकते तो आपकी मर्जी। सो विद दिस थिंग प्रॉब्ली वी शुड एंड दिस पीस, धन्यवाद एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, कल अगर कुछ नया डेटा बनेगा पक्का बनेगा कल भी ऑफिस पेस करेंगे कोई 9-10 बजे जो भी टाइम मिलेगा। तो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, जय हिंद, अच्छे से सो जाओ, शुभ रात्रि।